शर्मा जी, सेबी सोसाइटी के कन्वीनर डॉक्टर मयंक पांडे जी, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर पुनीत चांदला जी, युवा सोसाइटी की कन्वीनर डॉक्टर विनीत कुमार सिन्हा, विद्वतगण, अभिभावक गण, चिकित्सक वर्ग, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्यारे बच्चों, आप सबका पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज के इस इंटरेक्टिव सीरीज में एक शानदार पहल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डीएन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी मैम। अच्छा ठीक। यस मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आज इस वेब सीरीज का सेकंड डे है और इस इंटरेक्टिव सेशन का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज के जो वक्ता है डॉक्टर डीएन शर्मा जी, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है जिनसे बेहतर इस विषय के बारे में हमारा ज्ञान वर्धन कोई और नहीं कर सकता। दोस्तों, डॉक्टर डीएन शर्मा जी ने इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया, अपना अमूल्य समय हमारे छात्रों के लिए दिया। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सर, आपकी उपस्थिति ही हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली है। आपका पीजीडीएवी परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ विषय है, प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है, हमारी संवेदनाओं और परंपराओं की ओर हमें अग्रसर करने वाला विषय है। आयुर्वेद जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी इलाज पद्धति है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। मूलतः भारत की ये अपनी पद्धति है। कल हमारे प्राचार्य जी ने बताया था कि बीमारियों के इलाज के लिए बहुत सारी पद्धतियों का चलन है, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी इत्यादि। हर बीमारी का इलाज एक पद्धति से संभव नहीं है, इसलिए विभिन्न पद्धतियों का चलन भी है। हमें ये देखना है कि किस बीमारी का इलाज किस पद्धति से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत सारी ऐसी जटिल और गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है आयुर्वेद पद्धति से दवाइयों का साइड इफेक्ट या तो बहुत कम होता है या नहीं होता। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एक सुरक्षित, परखी और जानी मानी पद्धति मानी जाती है। इसीलिए आजकल अधिकांश लोग आयुर्वेद की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और इस पद्धति को अपना भी रहे हैं। कोरोना महामारी ने संसार में एक विचित्र परिदृश्य को, जिसमें एक से जुड़ी अनेक बीमारियां हमारे समक्ष निरंतर आती जा रही हैं। आज हम अपने वक्ता विशेषज्ञ से जानेंगे कि क्या कोरोना वायरस या उससे जुड़ी अन्य समस्याओं का उपचार इस पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है, आयुर्वेदिक पद्धति किस तरह से इस महामारी में कारगर है, कितने समय में यह पद्धति इस इलाज को कर पाने में संभव है। आजकल सर, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस आदि जैसे केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं, तो क्या आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर आयुर्वेद एक मुकाम हासिल कर चुका है। भारतीय पद्धति के नाम से जानी जाने वाली पद्धति का आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा, आप भारत सरकार में ही आयुष मंत्रालय में हैं, तो आप इसका डेवलपमेंट हमें हम तक पहुँचाएं या हमको उससे अवगत कराएं। कोरोना तथा हजारों बीमारियों का इलाज इस पद्धति से होता आया है, कितना कारगर है, इसके बारे में भी आज हम वक्ता से बताएंगे। आयुर्वेदिक पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है और आने वाले समय में आयुर्वेदिक पद्धति को किस रूप में देखेंगे और इसे जानना और समझना भी आज हमारे हो जाता है। मेरा खुद का मानना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक पद्धति में अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है इस पद्धति को अपनाने की, इसकी ओर ध्यान देने की। भारतीय पद्धति का भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चलन रहा है। इस महामारी में इस चलन को देखने को मिला है। यह सेफ, सुरक्षित और कारगर पद्धति है। भारत सरकार कोरोना महामारी के इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुफ्त वितरण करती आई है। आम जनता के दवाइयाँ कैसे पहुँच सकती है, उसकी सलाह कैसे पहुँच सकती है, लोगों तक इसकी जानकारी अभी नहीं है,
कुछ लोगों तक ये जानकारी पहुंची है, वो कैसे मिल सकती है उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रकृति से जुड़ी हुई है, हमारी बीमारियों से हमारा संरक्षण करती है, एक कवच का काम करती है। बीमारियों के अंदर होते हुए जो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है उसमें पॉजिटिविटी का भी संचार करती है। हमारा बॉडी माइंड और कॉन्शियसनेस इन सब का बैलेंस बनाकर रखती है। अप्रियतम है आयुर्वेद का इस जहान में। तो दोस्तों अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मयंक पांडे जी को कि आप आए और हमारे विशिष्ट वक्ता का संक्षिप्त परिचय। मयंक पांडे जी धन्यवाद मैम। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज डॉक्टर डीएन शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने व्यस्ततम दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा में पीएचडी की है। उन्हें देश का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न सम्मान मिला है। वर्तमान में वे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही वे आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साइंटिफिक एडवाइजरी समिति के सदस्य भी हैं। वे आदित्य योग नेचुरोपैथी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर शर्मा विभिन्न विश्वविद्यालयों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स गाइड हैं तथा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और VMOU राजस्थान में यूनिट राइटर भी हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न केंद्रों और संगठनों में मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं आयोजक समितियों एवं समस्त कॉलेज परिवार की ओर से एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मयंक जी, थैंक यू सो मच। साथियों, PGDAV इवनिंग कॉलेज महर्षि दयानंद जी के विचारों और पद्धति का अनुसरण करता आया। हमारे प्राचार्य प्रोफेसर आरती गुप्ता जी ने भी उनके विचारों को सार्थकता प्रदान करते हुए कॉलेज में जब कॉलेज का सत्र आरंभ होता है तो वैदिक हवन से सत्र का आरंभ और जब अंत होता है सत्र का तब भी वैदिक हवन से उसका समापन किया जाता है। वातावरण में पॉजिटिविटी का संचार हो सके इसीलिए लाइब्रेरी में भी मेज रखे गए हैं और गीता के श्लोकों का वाचन भी। उनका मानना है कि जीवन की सार्थकता सादगी और प्रकृति से जुड़े रहने। दोस्तों इसीलिए हमारे कॉलेज में हर्बल गार्डन भी तैयार करवाया। सर, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए रखना चाहती हूँ आपके समक्ष क्योंकि ये सारी बातें हमें बताती हैं कि आयुर्वेद हमें क्या क्या सिखाता है और ये आयुर्वेद से जुड़ी है। प्रोफेसर आरके गुप्ता जी के अथक प्रयासों के लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ और साथ में आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपको बुलाना चाहती हूँ कि आप आए और आज के हमारे विशिष्ट चीफ गेस्ट डॉक्टर डी एन शर्मा जी का स्वागत करें और हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद। प्रोफेसर आरके गुप्ता जी। धन्यवाद डॉक्टर मीना शर्मा जी। 3 दिन के इस सीरीज के दूसरे दिन के आज के इस वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के दूसरे दिन के वेबिनार में हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता के नाते डॉक्टर साहब उपस्थित हैं, डॉक्टर डीएन शर्मा जी, मैं उनका भी व्यक्तिगत रूप से और समस्त कॉलेज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी जब शुरुआत में उनसे डॉक्टर साहब से बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि डेली हर रोज डॉक्टर साहब 2-3-4 इस तरह के वेबिनार वो आयोजित कर रहे हैं। वो वक्ता के नाते उपस्थित रहते हैं। इतने व्यस्त समय के बावजूद शुरू में तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें कहूं कि वो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालें, लेकिन जब मैंने उनसे निवेदन किया तो आज के दिन भी जिस समय अभी हम कर रहे हैं रविवार के दिन लगभग इसी समय उनका एक कार्यक्रम पहले से निश्चित था, लेकिन बहुत हमारे लिए तो स्वाभाविक की बात है उनको असुविधा जरूर हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस पहले से निश्चित कार्यक्रम को पोस्टपोन किया, एडजस्ट किया हमारे लिए और इस कार्यक्रम में वो उपस्थित हुए हैं।
मैं समझता हूँ कि यह उनका स्नेह है, हमारे प्रति प्रेम है जो उन्होंने समय निकाला है, और मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बच्चों को, हमारी फैकल्टी को उनके जो अनुभवों का लाभ उनकी बातचीत से आज मिलेगा, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। हमारे बीच में, मैंने कल भी देखा, बहुत खुशी की बात है, यह जो जूम प्लेटफॉर्म है जिन्होंने स्पॉन्सर किया, श्री कैलाश गोदिका जी, वो भी इस कार्यक्रम में आज भी मौजूद हैं। उनका भी व्यस्त समय रहता है लेकिन आज भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। जला विकार फाउंडेशन जो एक एनजीओ है उसके वो फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर ही हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका भी कॉलेज की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, यह जो COVID-19 पेंडेमिक जो है, यह लगभग पिछले 1.5 साल से इस दुनिया में एक नई बीमारी, नई महामारी है। कुछ अलग है कि वेरिएंट बहुत पहले आए थे लेकिन इस रूप में यह पहली बार आए। बीमारी नहीं है तो इसलिए जानकारी नहीं है, और यह जानकारी निरंतर बदल भी रही है। यह होता भी है, स्वाभाविक है, क्योंकि जब बीमारी नहीं है, शत्रु नया है, तो उसके पास क्या क्या हथियार हैं, क्या क्या उसके रूप हैं, उसको जानने समझने में भी हमें समय लगता है। लेकिन वह समय लगे, वह कोई गलत बात नहीं है। हम अपनी जानकारी को अपडेट ना करें, यह गलत बात है। तो वह जानकारी निश्चित रूप से समय समय पर हम अपडेट कर रहे हैं, और उसी अपडेशन का ही एक प्रयास यह वेबिनार है, 3 दिन के सीरीज का। साइंटिफिक लेवल पर यदि हम देखें, एक्सपर्ट्स के लेवल पर भी यदि हम देखें, तो वहां भी जानकारियों में नए नए एडिशंस हो रहे हैं, अपडेशन हो रहा है। और कई बार हमें लगता भी होगा एक साधारण मानव के नाते कि भाई ये जो 6 महीने पहले हमें बताया जाता था या जो हम समझे थे, आज शायद उससे कुछ अलग बात हमें समझाई जा रही है, बताई जा रही है, रूप के बारे में अलग बताई जा रही है बातें, और जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस हैं COVID-19 की, उसमें भी बदलाव है। कई बार तो उनमें विरोधाभास भी लगता होगा, लेकिन यह एक स्वाभाविक साइंटिफिक प्रक्रिया है। सवाल यह नहीं है कि प्रोटोकॉल बदल या समान है, सवाल यह है कि नई जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। और उस प्रयास में न केवल हम बल्कि दुनिया के वैज्ञानिक, साइंटिफिक इस दिशा में काम कर रहे हैं, ये पूरी मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए भी यह बहुत गौरव की बात है कि हम इस दिशा में केवल मूक दर्शक या रिसिपिएंट ही नहीं बने रहे, हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने भी प्रशंसनीय काम किया। वैक्सीन हमने बनाई, दवा हमने बनाई, DRDO की खाने वाली दवा अभी आई, हम सबको मालूम है। तो हम केवल इस समय फॉलोअर नहीं है, लीडर भी हैं पूरे वर्ल्ड में। शुरू में जब वैक्सीन हमारे यहाँ बनी, 50 से ज्यादा देशों में हमने उस वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी किया। उस समय यहाँ इतनी अधिक डिमांड नहीं थी, और ज्यादा समय रखने पर वैक्सीन खराब भी हो जाती है। कुछ तकनीकी कारण भी थे, कुछ एग्रीमेंट भी थे, और उस कारण से हमने दुनिया भर में वैक्सीन भी की। आज हमारे यहाँ कमी है तो हम दुनिया से मंगा लेंगे, तो उसमें कोई गलत सही बात नहीं है। सवाल यह है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे लड़ाई में, हम एज ए कंट्री, एज ए नेशन और एज ए सोसाइटी और एज साइंस भी हम कहीं पीछे नहीं है। दुनिया में हमने अपना वर्चस्व, अपनी उपस्थिति
वो कायम की है और यह बहुत हर्ष की बात है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि कॉलेज की तरफ से भी इस तरह के प्रयास होते रहे हैं, मीना जी ने भी बताया, और उसी प्रयास के की सीरीज में, उसी प्रयास की कड़ी में यह 3 दिन का वेबिनार हमने आयोजित किया। कल एक साइकोलॉजिस्ट और एलोपैथी डॉक्टर से हमें जानकारी मिली, आज जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर डीएन शर्मा जी से हमें जानकारी मिलेगी और हम सब उनकी जानकारियों से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। जिसे कहते हैं वैल्यू एडिशन, वो हमारी जानकारी में निश्चित रूप से एक नया वैल्यू एडिशन होगा, ऐसा मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। साथियों, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बल्कि दो बात कहना चाहूंगा कि बीमारी नहीं है और बीमारी फैटल भी है, यानी उससे जीवन का अंत भी हो रहा है कुछ बीमार लोगों का, बहुत दुख भरी बात भी है और उन सबके प्रति मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूँ जिनका जीवन नहीं रहा, उनके परिवार के लोगों को के लिए भी। लेकिन भय मन में लाना इन सब बातों की वजह से वह निश्चित रूप से नहीं करना है, अपने मनोबल को बनाए रखना है, मन की हिम्मत को बनाए रखना है, लड़ाई के मैदान को छोड़कर नहीं चले जाना है इस डर के कारण, हिम्मत के साथ शत्रु का सामना करना है। जहां हमने भय अपने मन में नहीं लाना है, उसके साथ साथ यह भी सच है कि हमें लापरवाही भी नहीं करनी है। जैसे जैसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होना है, इसमें हम और ज्यादा प्रोटोकॉल और ज्यादा गाइडलाइंस और ज्यादा इसके बारे में हमारे हमें ट्रीटमेंट उपलब्ध होगा, तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। एक बात तो ये मुझे कहें। दूसरी बात जो मैं कॉलेज के संदर्भ में कि यह इस तरह के वेबिनार तो हम आयोजित करी पैंडेमिक के दौरान, पिछले लहर में भी किया, इस लहर में भी किया, जिससे हमें अवेयरनेस हो, जानकारी मिले, लेकिन केवल हमारा कॉलेज बातों तक ही सीमित नहीं है, हम अपने प्रयासों को फिजिकल फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में भी, धरातल पर भी हम काम कर रहे हैं। मीना जी ने कुछ उदाहरण गार्डन और दूसरी बातों के बारे में हवन हम करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में हमने समाज के लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को सीधे सीधे जहाँ कठिनाई है वो उनको सुविधाएं पहुंचे, लाभ पहुंचे, इस प्रकार की भी बहुत बहुत काम किए जा रहे हैं। मैं उन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा संक्षेप में। NSS के द्वारा तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको खाने पीने की समस्या आई है या किन्हीं दवाइयों की जरूरत है, उन तक हमने दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, रॉ मेटेरियल या पका हुआ खाना, इस प्रकार से भी उनको पहुंचाया है। कुछ बच्चों को जिनको आर्थिक समस्या थी, उनको पैसे से भी उनकी हमने मदद की है। इसी प्रकार से सप्ताह में 5 दिन कॉलेज का जो योगा क्लब है, उस योगा क्लब के माध्यम से सवेरे 8 से 9 5 दिन योगा क्लासेस होती हैं, जिन्हें कोई भी हम में से ज्वाइन कर सकता है और एक अच्छी संख्या में विद्यार्थियों और स्टाफ के लोगों ने उसको ज्वाइन भी किया हुआ है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। बच्चों में कुछ साइकोलॉजिकल या डिप्रेशन की भावना कई बार इस तरह के माहौल में हो जाती है, तो एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्पलाइन है। इस दौरान हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या फिटनेस, कैसे हम रहें, बीमार ना हो, तो फिटनेस से संबंधित एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। हमारा खान पान किस प्रकार से हो, सामान्य दिनों में खासतौर पर जो स्टूडेंट्स का एज ग्रुप है, हम उसमें बहुत से फास्ट फूड और इस तरह की चीजें खाते हैं, लेकिन इस समय में हमें अपने खान पान पर किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, तो एक डाइटिशियन की हेल्पलाइन शुरू की गई है। कभी सीधे रूप में
डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़े तो एक डॉक्टर नर्स की काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसी प्रकार से मेडिटेशन और माइंड मैनेजमेंट ये किस प्रकार से करें तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो हमारे कुछ साथी PWD के हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको विशेष कठिनाई है कई बार इस प्रकार के माहौल में, तो उनको किस प्रकार से सहायता की जा सकती है, उनके लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। तो इन्हें अनेक प्रकार के इस प्रकार के काम कॉलेज के द्वारा किए जा रहे हैं। और यही नहीं, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से RT-PCR बूथ, जिसमें RT-PCR कोरोना टेस्ट और दूसरे कुछ ब्लड टेस्ट कंसेशनल रेट पर शुरू किए गए हैं, वो केवल हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए भी है, तो कोई भी उनमें से आकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये केवल मैंने आपको जानकारी इसलिए दी कि हम स्वयं भी इन सुविधाओं का जब जरूरत हो लाभ उठाएं और दूसरों को भी इस जानकारी के बारे में बताएं। देखिए बच्चों, मैं एक बात बहुत निश्चित रूप से जानता हूं और मानता भी हूं, कल भी उसका थोड़ा जिक्र होगा, कि यदि हमें अपना मनोबल ऊंचा रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, मन से डर निकालना है, तो सबसे अच्छा उसका तरीका दूसरों की सेवा करना। अपने अपना ध्यान रखते हुए हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे जब भी हम किसी की सेवा या मदद हेल्प निस्वार्थ भाव से करते हैं, और जब हम शाम को रात को सोचते हैं कि आज मैंने वो काम किया, तो मन में कितनी अपार खुशी होती है, क्योंकि हमने वो काम किया बिना किसी बदले में हमें कोई लाभ मिले इस आशा के साथ, निस्वार्थ भाव से किया, और हमारा मन अपने आप बहुत सुदृढ़ हो जाता है, हमारा मनोबल और ऊंचा हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस पेंडेमिक के दौरान और जो यहाँ बहुत सी बातें हैं, उनमें हम अपना ख्याल रखते हुए, अपने को सुरक्षित रखते हुए दूसरों के लिए जितना कुछ कर पाए, तो यह भी निश्चित रूप से अपने पास ही वह सेवा लौट कर आने वाली है, इस भाव को अपने अंदर हम समाए रखें इन बातों के साथ। और आज के इस वेबिनार की सफलता की शुभकामना देते हुए और डॉक्टर साहब का, डॉक्टर DN शर्मा जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए, मैं आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अथक प्रयासों के लिए तो हम हमेशा सराहना करते हैं, कॉलेज परिवार आपका सानिध्य में ही सारे कार्य कर पाता है, और RT-PCR सेंटर में बहुत सारे बच्चों ने ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं, उन सबके भी हमारे बच्चे स्टूडेंट उसमें रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि उनका वहाँ पे आसानी से हो रहा है और कम पैसों में हो रहा है और जल्दी रिपोर्ट आ रही है उनकी, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स बंद हो गए हैं या उनका होता ही नहीं है 100 कूपन के बाद। वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं, हम इस बात के लिए आपको साधुवाद देते हैं। और बहुत सारे प्रयास जो निरंतर हमारा NSS डिपार्टमेंट कर रहा है या NSS प्रोग्राम ऑफिसर पुनी चांदना जी के सानिध्य में और आपके सानिध्य में हो रहे हैं, उनकी चर्चाएं भी है कि जिससे राशन बच्चों को मिल सकता है, चीज़ें मिल पा रही हैं, सुविधाएं मिल पा रही हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग हो पा रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है सर, आपको और आपकी पूरी हमारी पूरी टीम को इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी विलम्ब के, कहते हैं कि समंदर सा अपार है विचारों का, समंदर सा अपार है विचारों का, खोलना चाहते हैं रुक जाते हैं। आपका व्यक्तित्व समझ जाएगा, आपका व्यक्तित्व समझ जाएगा ये हलचल वातावरण में क्यों है। बिना किसी विलंब के डॉक्टर DN शर्मा जी। थैंक यू मीना शर्मा जी, बहुत बहुत आभार पूरे स्टाफ का, विशेषकर जो है प्रोफेसर RK गुप्ता जी का, और जैसा उन्होंने बताया कि मैं ये DAV का जो प्रोग्राम मुझे लेना पड़ा, दूसरे प्रोग्राम को आगे पीछे एडजस्ट करके भी करना पड़ा, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि मैं स्वयं एक जो है आर्य समाज परिवार से हूं, और मेरा नाम पूरा अगर जाना जाए तो मुझे दयानंद शर्मा,
ये महर्षि दयानंद के नाम पे ही मेरा नामकरण भी जो है हुआ था दयानंद, और मैंने उसी का पालन करते हुए पूरे जीवन में अपने दोनों बच्चों को केजी से लेकर के ट्वेल्थ तक जो है डीएवी स्कूल में ही मैंने उनकी शिक्षा जो है कराई, और उनको कभी मुझे किसी ट्यूशन के लिए नहीं भेजना पड़ा। तो ऐसी संस्था का जुड़ाव मेरे साथ था, इसलिए मैंने जरूर किया, अन्यथा इन दिनों में जो सबसे ज्यादा कार्यक्रम कर रहा हूँ वो आने वाली तीसरी लहर के बच्चों के हिसाब से स्कूल चिल्ड्रंस के लिए ज्यादा कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के तो मैंने बताया 60 से ज्यादा प्रोग्राम हम लोग जो है ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पर बता चुके, और अब उसमें अगर कुछ प्रोग्राम जो है नए आते भी हैं तो पोस्ट कोविड के लिए हम लोग बात करते हैं या बच्चों के लिए बात करते हैं। तो मैं सभी को जो है, संगीता जी शायद उसमें हैं, तो मैं सभी को नमस्कार करते हुए, और साथ में हमारी एक जो है छोटी सी बच्ची भी इसमें जुड़ गई है, वो मेरे लिंक से जो है लेके नायशा शुक्ला को भी मैं जो है हेलो करते हुए और उसको विश करूंगा कि वो भी सब जानकारियों को जो है लेकर के राज सबको जो है अपनी इन सब जानकारियों को शेयर करेगी, बच्चों तक पहुंचाएगी। तो नायशा शुक्ला भी अटैच रहेगी और सारा नोट करेगी, मैं ऐसा जो है सभी स्टाफ के जितने भी लोग हैं उन सबका आभार जताते हुए साथ में मैं चाहूंगा कुछ बेसिक जानकारियां मैं शेयर करूंगा। मेरा जो अभी तक का अनुभव है वो ये है कि बच्चों के क्वेश्चन आंसर सेशन वो जो है लंबा होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि शुरू से मैं जुड़ा हुआ था तो मैं नोट कर रहा था 108 110 से ज्यादा पार्टिसिपेंट जुड़ गए थे, जो एकदम कम होकर के वो 88 पे आ गए, क्योंकि बहुत लोग जो है नहीं चाहते कि वो सब इधर उधर की कोई बात सुन पाए, उनको अपने जो है क्वेश्चन का उनका जो है वो रहता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सबके लिए इतना उपयोगी रहे कि वो सारी चीजें उसको जो है एक परिवार के बीच में डॉक्टर के रूप में वो काम कर पाए। तो आज सबने चर्चा सुनी है आयुर्वेदिक एलोपैथी, रामदेव जी और उसको लेकर के बहुत झगड़ा है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आम जन के लिए कि ये झगड़ा तो जिस लेवल पे है उसी लेवल पे रहने दें। आज हमें किसी भी पैथी को हल्का नहीं मानना चाहिए, ना ही एलोपैथ को आयुर्वेद को हल्का मानना चाहिए, ना ही आयुर्वेद को एलोपैथी को हल्का मानना चाहिए। दोनों पूरक हैं, और हम लोगों का और साथ में प्रधानमंत्री जी का जैसे ही उन्होंने जो है ये 2014 में शपथ ली थी, उन्होंने यही कहा था कि योग दुनिया अपना चुकी है और उसको जो है शुरू कर रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद को भी समझे, ऐसा हमारा मेन प्रयास होगा। और उन्होंने इसी इंटीग्रेशन पे जोर दिया कि आयुर्वेद के साथ एलोपैथी भी हमारी जो है वो उसी तरह से कंधे से कंधा मिला के काम करे। क्यों? क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र बिल्कुल जो है अगर समझा जाए तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक। आज एलोपैथी कहती है आप बीमार होइए हम आपको जो है स्वस्थ करेंगे, लेकिन वहीं आयुर्वेद कहता है आप हमारे पास आइए आपको बीमार ही नहीं होने देंगे। तो आज इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। आज आयुर्वेद तो आपके जीवन की चिरिया, जीवन की शैली का उसके बारे में आपको जो है पढ़ाएगा, चाहे वो योग हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे दूसरे कोई भी सिस्टम जो है इसके पद्धति के हो, वो सारे सिस्टम आपको एक लाइफस्टाइल देते हैं। और इम्पोर्टेंट वही है, इम्पोर्टेंट भी वही है, क्योंकि अगर आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो बहुत कम जरूरत पड़ेगी आपको किसी चिकित्सा पद्धति की। तो आज आयुर्वेद में 85% लाइफस्टाइल है और 15% उसमें दवाइयां, और दवाइयां भी हैं तो उसमें से ज्यादातर वो सब जो है नानी दादी के नुस्खों में परिवर्तित होकर के इतनी प्रचलित थी, अब शिक्षा के प्रचार और आधुनिक जो है विज्ञान के कारण उनको पछाड़ दिया गया। लेकिन हम लोग आपको बता दें कि अभी पूरे 1.5 साल के इस कोरोना काल में वही चीजों से, वही किचन के मसालों से ही लोगों को ठीक किया। लेकिन किन लोगों को? जो आज फैमिली डॉक्टर के रूप में हम लोगों से जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको जरा सा कोई सिम्टम आता था वो इमीडिएट संपर्क करते थे, और इमीडिएट अगर जो है किसी भी चीज पे
आप जो है एक्शन ले लेंगे तो वो बीमारी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे से गलती कहां हुई? पूरे कोरोना में सबसे बड़े गलती का कारण रहा कि पहले बुखार या गला कुछ भी खराब हुआ हम दो दिन इंतजार करते हैं कि शायद ऐसे ही हो गया, देखते हैं ठीक हो जाएगा। दो दिन के बाद जब हमें लगता है कि नहीं नहीं कोरोना ये इसी तरह के लक्षण है तो मुझे भी हो सकता है, फिर हम टेस्ट की लाइन में लगते हैं और दो दिन चार दिन जो है उस टेस्ट की रिपोर्ट आने में लग जाते हैं। जब तक वो बीमारी हमारे अंदर जो है वो फैलना शुरू हो चुकी होती है, अगर जिस वक्त उसका सिम्टम आया, जिस वक्त भी उसके सिम्टम शरीर में शुरू होते हैं, अगर उसी वक्त आपने अगर उसका जो है घरेलू उपचार भी शुरू कर दिया तो भी हॉस्पिटलाइज होने से कम बच सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया और इतने मेरे पास मरीज, जैसे बताया कि मैं उत्तराखंड में 100 बेड का हॉस्पिटल रन करता हूं और वहां भी मेरे पास जो है कम से कम 4000 पेशेंट जो है उसमें रजिस्टर्ड रहते हैं, जो वीकली एवरेज 100-125 पेशेंट जो है वहां पे आते रहे हैं, तो वो सब जुड़े रहते हैं। तो हम आज गर्व से कह पा रहे हैं कि उनमें से किसी के घर में किसी को भी जो है, क्योंकि उन लोगों को हम व्हाट्सएप और उसके माध्यम से सब जानकारियां देते रहे और जिसका भी फोन आया हम फोन के माध्यम से भी, ये हालत थी मेरी कि रात को 1:30 बजे भी फोन आता है, सवेरे 4 बजे भी आता है, तो मुझे मालूम था अगर मैं फोन बंद कर दूंगा या नहीं करूंगा तो वो लोग जो है तुरंत कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के लिए पैनिक करेंगे और पैनिक होगा तो उनमें डर से ही बीमारी ज्यादा बढ़ेगी। तो मैंने कोशिश किया कि इन दिनों अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा भी जो है उसमें दबाव में रहना पड़ा, लेकिन मैंने फोन अटेंड करके सबको गाइड करने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की और बताने में भी बहुत कॉमन चीजें थी, बहुत कॉमन में यानी कि जो है हम कह सकते हैं कि जैसे गिलोय था, गिलोय आज नई नहीं कोरोना के लिए, गिलोय गुजरात विश्वविद्यालय उसमें उसके रिसर्च हुई है और उसमें तीनों चीजें एंटी जो है इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और वो एंटी ऑक्सीडेंट, और इसके जो है पूरे रिसर्च के जो है वो हुए और इसको जो है नीदरलैंड में जो है इसकी जो है प्रमाणित जो है किया कि ये किसी तरह के वायरल और डेंगू में तो रिसर्च इसकी हो चुकी ऑलरेडी कि वो पूरी तरह काम करती है, क्योंकि इस वक्त कोरोना के साथ साथ ये टाइम जो है हमारे पास डेंगू वायरल बुखार का भी है और बहुत केसेस में ऐसे ही हुआ है कि उनको जो है वायरल बुखार वो थे, टेस्ट नेगेटिव आते थे लेकिन पैनिक करके वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए। और जब हम सोचते रहेंगे कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं हम, जो एक मुझे सांस में कहीं दिक्कत तो नहीं है, मेरी सांस कहीं अटक तो नहीं भी, कुछ होते हुए भी वो अटकना शुरू हो जाएगी। और उसमें भ्रांतियों में बहुत सारी चीजें हुई, चाहे वो जो है हमारे ऑक्सीमीटर को लेकर के हुई, ऑक्सीमीटर में भी किसी ने अंगूठी पहन रखी है तो भी ऑक्सीमीटर उतना काम नहीं करेगा, एक्यूरेट नहीं होगा। उसी तरह से सैनिटाइजर पे जो है कितना बड़ा जो है आज जो है लोगों को अवेयरनेस, अगर यही काम पूरा मीडिया अगर कर पाता तो आज ब्लैक और येलो और ये सारे फंगस, व्हाइट फंगस ये सब जो है उस पर नहीं जाना पड़ता, ये सारा हमारे अवेयरनेस की वजह से ये दिक्कतें उसमें आनी शुरू हुई। और इसका बहुत लोगों को नहीं पता था, हम लोग अपने जितना क्षेत्र है उसमें करते हैं लेकिन मीडिया ने जो काम करने चाहिए वो बहुत लेट किए। क्या इस सैनिटाइजर की पहचान, कौन सा सैनिटाइजर यूज करें, यानी कि जो सैनिटाइजर आप हाथ पे डालने के बाद में हाथ को गीला करके रखता है और वो जल्दी नहीं सूखता, वो सैनिटाइजर कभी भी आपको सैनिटाइजर का काम नहीं करेगा, उसमें पानी है और वो सारा का सारा आपको जो है यही आंख में जाएगा, नाक में जाएगा, गीला रहेगा तो वो सारी इनका कारण बना इरिटेशन का और फंगस के जो है रूप में उसके आंख लाल करने का, इचिंग जो है पैदा करने। तो आज हमें सबको जान लेना है, आगे भी अभी समय जो है कहीं गया नहीं है, आज भी सुधर समझ लें सब लोग क्या कि आज कोई भी सैनिटाइजर अगर यूज करना है तो हाथ में स्प्रे करने के थोड़ी देर में आप स्प्रे करें और हटें, उसके बाद वो पूरा सूख जाना, ड्राई हो जाना चाहिए। अगर वो ड्राई नहीं होगा तो वो सैनिटाइजर यूज करने के लायक नहीं है। तो हमारे पास जो है आज जो है बहुत लोगों ने कहा
एलोपैथी के भी हमारे कुछ साथियों ने जो कह दिया ये सब गिलोय हल्दी वो नहीं करें ये, अरे आप अपने सिस्टम को जानते हैं, आप अपने सिस्टम की बात करें, स्वामी राम तीर्थ की बात करें, क्या आपको दूसरे की लाइन को देखने की क्यों जरूरत पड़ रही है, आप अपनी लाइन को बड़ी करिए, आप जो है उसमें जो है ध्यान लगाइए, कौन जो है गिलोय ले रहा है या हल्दी ले रहा है उसके उससे किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा र्यूमर हुआ कि जो है आज जो है नींबू नाक में डालने से जो है एक डेथ हो गई, एक केस आया, अरे वो गलतियां जो है किसी भी सिस्टम में, क्योंकि व्हाट्सएप यूट्यूब पे पूरी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं होती है तो उसको समझने में कोई गलती करेगा तो मिसहैप होता है, उसमें कितनी जो है डेथ जो है हॉस्पिटल में भी होगी उसका क्या कर पाए, तो वो कोई डेथ होना उसका कारण क्या होना उसको लेकर के हम जो है सिर्फ उसी पे मीडिया पे आकर के बात करते रहे हैं कि वो तो जो है नींबू डालने से डेथ हो सकती है, उससे ये हो सकती है, सारी भ्रांतियों को जबरदस्ती के लिए दबाया गया। अदरवाइज कोई जो है आज अगर नाक में कोई ज्यादा चीज डाल देंगे तो नाक का सीधा संबंध हमारी जो है श्वास नली से, अगर उसमें श्वास नली में कोई भी लिक्विड जो है ज्यादा डलेगा तो वो भर जाएगा, और लिक्विड जब श्वास नली में भर जाएगा तो श्वास उसका रुक जाएगा, डेथ हो सकती है। लेकिन समझ करके अगर आपको कोई चीज मिलती है तो उसको जो है डॉक्टर से, तो आज हम लोगों ने कंक्लूजन यही निकाला कि एलोपैथी के डॉक्टर उतनी अवेलेबिलिटी देश में नहीं है, लेकिन आज आयुर्वेद नेचुरोपैथी योग इस सब के जानकारों की अपार संख्या हमारे देश में है। आप लोग जब तक महामारी या इस तरह की कोई बीमारी आती है आप ऐसे किसी डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बनाइए ताकि कोई भी सिम्टम्स जहां भी आ जाए उसी वक्त उनसे बात करें और उसे बच जाएं। हमने कितनी चीजों को, जिसको गला खराब हुआ उसको हमने अदरक नींबू का रस और उस इसके अंदर प्याज का रस, अदरक का रस उसमें प्याज का रस और शहद तीन चीजें मिला करके और वो चटाई उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी, यानी कि चार चीजें टोटल हुई, एक चम्मच अदरक का रस, एक चम्मच प्याज का रस। प्याज का रस क्यों, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं प्याज के अंदर सल्फर होता है और सल्फर से जितना म्यूकस और जो है कफ होता है वो डिजोल्व हो जाता है, तो आज अदरक का रस वो भी डिजोल्व करने का कफ में काम करता है और शहद तो अपने आप में एंटीबायोटिक है, हल्दी अपने आप में एंटीबायोटिक है। इन चारों चीजों का पेस्ट बना के जो भी चाट करके सो गए उनको, क्योंकि दिन में अगर कोई भी वायरस हमारे गले नाक के थ्रू पहुंचा भी है, अगर हमने उसको ये एंटीबायोटिक गले में जो है अगर चाट करके सो गए कुल्ला नहीं किया उसके बाद कुछ खाया पिया नहीं तो उसका कोई असर नहीं। और हम लोगों ने सबको एक ही बात बताई कि आप सवेरे के नाश्ते के बाद गार्गल कर लें नींबू हल्दी और उसके अंदर नमक डाल करके पानी गर्म करके, ताकि खाने के बाद जो गले में उसका म्यूकस रह जाता है जो उसमें थोड़ा सा कफ डेवलप होता है वो नहीं रहेगा तो आपको जल्दी वायरस वहां जाकर के अटैक नहीं कर पाएगा, अपने को स्प्रेड नहीं कर पाएगा। उसी तरह से नाक में जैसे बहुत लोगों को ड्रॉप डालने से जो है कि एक ड्रॉप बोलते हैं वो अगर कई ड्रॉप डाल देते हैं गलती ना हो जाए, तो हम लोगों ने रास्ता निकाला उसका कि आप नींबू के रस में ईयरबड को डुबो करके और आप जो है कम से कम दो बार सवेरे शाम नाक को साफ करते हैं, तो जितना ये ब्लैक फंगस का ये आ रहा है वो सारा, और अगर उसी नींबू के रस में थोड़ा फिटकरी भी अगर पाउडर जो है करके उसमें मिला दें और उसमें बड्स को गीला करके नाक में घुमा दें तो आपके अंदर कुछ गर्म काढ़े पीने से भी अगर नाक में कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है और उसमें फंगस होने की जो स्थिति जो है पैदा होती है वो स्थिति आपकी बिल्कुल भी उसमें नहीं आएगी। आप एक मिनट भी जो है आप देखेंगे कि नाक के अंदर अगर इरिटेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद चाहे तो गाय का घी या जो है हम बादाम रोगन को जो है वो लगा सकते हैं, या फिर आप जो है सबसे जो है आसान चीज है नारियल का तेल हम वो लगा दें इसके बाद में, और कोशिश करें आज जो ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस येलो का जितना भी आ रहा है उसके बहुत सारे कारण है, समय रहा तो मैं डिटेल में इसमें बात करूंगा, लेकिन जो है इन शॉर्ट आप अगर इसको जो है कोई भी चीज जो मास्क के रूप में यूज कर, क्योंकि ब्लैक फंगस को इतना समझ लें कि ब्लैक फंगस ये हमारे घर में आज नया नहीं आया है या ये बीमारी नई नहीं आई है, ये बहुत पहले से चलती है। जो हम खाना सब्जी बासी बच जाता है उस पर सफेद और काला जो है व
फफूंद जो आता है, मॉइस्चराइज सब चीजों पे, घर में सीलन है तो उस सीलन में भी ये जो है ब्लैक फंगस डेवलप होता है। तो घर में आप सीलन ना रहने दें, आप खाने को बासी ना छोड़ें, फ्रिज की जो रबड़ होती है उसके ऊपर जो है वो कालापन जो आया होता है, फ्रिज को आप जो है पूरी तरह से जो है सर्फ या दूसरी चीज लगा के साफ कर दें या उसको जो है सैनिटाइज कर दें। तो ये जो है हम लोगों के, क्योंकि ब्लैक फंगस अभी तक जितने लोगों में आया वो इस वक्त 95% केसेस जो रहे वो उनमें ही था, जिनके अंदर या तो शुगर का लेवल बहुत ज्यादा रहा या कोई ना कोई जो है इन्फेक्शन उनका पहले से चल रहा था, या उस इन्फेक्शन या जो है बुखार या कोरोना के टाइम में उनको ऑक्सीजन जो है कहीं भी बिना साफ किए या ऑक्सीजन के साथ जो पानी दिया जाता है वो पानी जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ, ठहरा हुआ या गंदा, वो उसमें जो है अच्छा नहीं होने से, जो कुछ लोगों ने घर पे ही सिलेंडर लगा लिए तो उसमें सिलेंडर जो है वो मेडिकल सिलेंडर नहीं होने की बजाय, कल जो है इसके जो है अवेयरनेस जो है डॉक्टर्स ने जो है जारी की कि इसके ऑक्सीजन सिलेंडर में भी जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर होता है वो सारा जो है ब्लैक होता है, और जो दूसरा सिलेंडर मेडिकल सिलेंडर होता है उसकी नेक जो होती है वो चारों तरफ से व्हाइट होती है, वही सिलेंडर उसी की ऑक्सीजन जो है एडवाइस की जाती है। लेकिन हड़बड़ी में उस वक्त मीडिया पे खूब ये जो है आ रहा था कि उसने आज जो है ये वेल्डिंग वाले ने, उस फैक्ट्री वाले ने अपने यहाँ वर्षों से पड़े हुए सिलेंडर भी जो है आम पब्लिक को जो है दे दिए, उसने मदद कर दी, ये सब रोज मीडिया जो है सुना रहा था, छाप रहा था, लेकिन किसी ने भी, डॉक्टर ने या किसी ने आकर के, हम लोग जो है चिल्लाते रहे, किसी ने भी उसका खंडन नहीं किया कि ये सिलेंडर हमें डायरेक्ट इस तरह से यूज नहीं करने चाहिए। तो आज छोटी छोटी गलतियों को ही भुगत रहे हैं हम लोग, ये कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिसको हम जो है बचा नहीं सकते। आज अगर हम अवेयरनेस, जिस तरह से आप लोगों ने एक प्रोग्राम को इसको जो है शुरू किया और प्रोग्राम को बढ़ाते गए, और इसका अगर जानकारी इसी तरह से लोगों को जो है मैक्सिमम लोगों को अगर आप देना शुरू करते हैं, तो इससे जो है कम से कम कोई भी घर में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगा के और हम लोगों ने जो है उस पैनिक के टाइम पे उसको यूज किया, ये फंगस उनकी देन है। तो आप अगर इसको समझ जाते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, तो आपको ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। घर में आपको मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं। साथ में एक और सबसे बड़ी चेतावनी आपको समझनी पड़ेगी, और वो चेतावनी है कि हम लोग कपड़े के या कोई भी मास्क जो हम बहुत देर तक यूज करते हैं, विशेष करके बोलते वक्त, बात करते वक्त, तो उसके अंदर हमारे वो पार्टिकल्स से वो अंदर से उसमें नमी आ जाती है, और उसी नमी को हम जो है वापस इनहेल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बोलने वाले को या जो है मास्क जो है लगा रहे हैं जब आपको बोलना ज्यादा नहीं है, या कई लोगों को जो है नाक से भी वो पार्टिकल्स जो है उसमें आते रहते हैं, तो आप मास्क को चेंज जरूर करते रहें, उसको वॉश जरूर करते रहें। आप जो है हर रोज नहीं, दिन में भी कुछ टाइम के बाद आप मास्क को बदल दें, उसे धूप में जरूर रखें, उसे जो है अच्छे से वॉश जरूर करें, क्योंकि जितनी आपका मॉइस्चराइजर जो है नाक और मुंह के पास में रहेगा, वही आपके लिए ब्लैक फंगस या दूसरे किसी भी खतरे के लिए सबसे ज्यादा जो है नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको जो है ये बहुत चीजों से पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, आज किसी तरह का जो है वो नहीं करना, बल्कि इस सावधानी को याद रख के आपको जो है उससे बचने का काम जो है वो करना है, जिससे कि ये सारी दिक्कतें नहीं आ पाए। आज अब जो है हम थोड़ी सी बात ये करें, जो अभी एक लेटेस्ट कल की जो है मैं आपको खबर दे देता हूं, जो वियतनाम से आई, और उन्होंने जो है आज अभी जो है इसके ऊपर जो है उसका नाम जो जैसे कोड देते हैं कि ये वायरस हमारा B.1.617 है, ये वो है, ये बहुत सारे वायरस ये जो है म्यूटेंट जो है, डबल म्यूटेंट है, ये ट्रिपल म्यूटेंट है, ये सारा जो नामकरण होता है उस नामकरण में शायद वो आज संभावना है कि उसको जो है टेस्ट करके उसका जेनेटिक जो है कोड वो दे दें। लेकिन जो अभी तक शोर मचा हुआ था कि ये हवा में भी इसका जो है आज वायरस का असर अटैक आ रहा है, तो वो वियतनाम में
ऐसा जो है वायरस कल शनिवार को कल ही जो है बहुत बड़ी संख्या में वहां पे मिल गया है और उसको जो है उन्होंने काम भी तेजी से, ये वायरस जितने वायरस इंडिया में रहे उन सब का मिला जुला होकर के उसमें एक और नया जो है उसने एडिशन किया है कि इस वायरस का जो संक्रमण है इन्फेक्शन है वो बहुत फास्ट फैलेगा, उसमें जो है बहुत ज्यादा एक हफ्ते का या 10 दिन का टाइम नहीं मिलेगा, वो हमें जल्दी जो है नुकसान करने वाला है। तो इसलिए उस वायरस से बचने के लिए हम लोगों को आज क्या जो है अपनी डाइट में चेंज करना है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको समझ लें कि हवा के वायरस के लिए आज एक बात के मास्क की जितनी जो है बातें आज की जा रही हैं उस पे अभी हमें इंडिया में केसेस कम होने के कारण उसको अभी भूल नहीं जाना है, छोड़ नहीं देना है, उस पे हमें अभी भी कोशिश करनी है कि उसे और स्ट्रिक्टली हम फॉलो करें, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ दूसरी लहर आने का बेसिक कारण यही था कि ये सब चीजें एकदम खोली गई और हमने जो है मान लिया कि ये जो है कोरोना कम हो गया या चला गया और अब इसका इफेक्ट जो है नहीं ज्यादा होने वाला है। इस कारण से उन लोगों ने लापरवाही शुरू की जिसका आज परिणाम हमें भुगतना पड़ा कि कितने ही यंग जनरेशन का जो है आज हमें जीवन का नुकसान जो है भुगतना पड़ रहा है, देश को जो है उसकी विडंबना से गुजरना पड़ा कि आज शायद ही कोई घर बचा हो जिसकी रिश्तेदारी या घर में कोई आदमी इससे ग्रसित ना हुआ। तो ऐसी महामारी में आज हमें कोशिश यही करनी है कि हमें क्या क्या, सबसे पहले तो जिसको भी कोई भी लक्षण आएंगे, अभी जिस तरह की जो है बात हमने की कि वो बच्चों में भी आ सकता है, तो बच्चों में भी वही सारे सिम्टम डेवलप होंगे जो पोस्ट कोविड लोगों में आ रहे हैं। पोस्ट कोविड में भूख एकदम मर जाती, पोस्ट कोविड में कई बार डिसेंट्री और जो है 10, 5, 5, 6, 6 दिन में आने से पूरे, और एक और जो है अभी जो है नया ये इंडिया में जो है इसको जो है बहुत आपने शायद जो है हो सकता है कुछ लोगों ने पेपर में पढ़ा भी हो, साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन जो स्टॉर्म है वो हमारे इसमें अंदर रहता है, इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं हमारी वो कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन के रूप में होता है जो मौजूद होता है, वो हमें हेल्पफुल होता है। लेकिन अब ये हुआ कि कुछ लोगों को जैसे ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो है डेवलप होता था 4 से 8 दिन के बीच में, 9 दिन के बीच में, लेकिन अब ये साइटोकाइन ये जो है 15 दिन 20 दिन के बाद भी डेवलप होता। क्या है समझ लें कि जो है बुखार जो है पहले आया 99 था, 100 हुआ और वो बहुत तेजी से जो है वो 102 और बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जो सिम्टम है चाहे वो खांसी के हों चाहे बुखार के हों, अगर वो पहले शुरुआत में कम रह करके एकदम से बढ़ना शुरू करें तो यही स्टॉर्म का काम करता है, यही साइटोकाइन है, यानी कि वो प्रोटीन जो हमारे जीन्स के जो है हमारे जो है कोशिकाओं के अंदर थे वो सारे जो है इम्यूनिटी के साथ वो सिस्टम जो है रेस्पॉन्स जो है उसका बढ़ जाता है और वो अनियंत्रित होकर के वो जो है बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होकर के काम करना शुरू करते हैं और वो नुकसान या हमें प्रोटेक्शन या इम्यून को जो है बढ़ाने का काम छोड़ करके वो इतनी ज्यादा संख्या में हो जाता है कि वो हमारे शरीर में जो भी लक्षण हैं उनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त इस तरह के सिम्टम्स और ये एक नया जो स्ट्रेन पैदा हुआ है स्टॉर्म जो आया है, इसके लिए आप लोगों को जरूर संपर्क में रह करके इमीडिएट उस पे अगर एकदम जो है 8 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद, जैसे आपने अभी देखा भी होगा पोस्ट कोविड के हम बात करते हैं तो उसके अंदर 99 टेम्परेचर जो है पोस्ट कोविड 12-14 दिन नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी टेम्परेचर आता रहता है, कुछ लोगों को खांसी बनी रहती है, तो उसको हम कभी भी घबराएं नहीं, उसको पैनिक क्रिएट नहीं करें, उसके लिए बार बार कोई जो है आप ऑक्सीजन लेवल को जो है वो करने की कोशिश नहीं करें, आप उसके लिए
ऑक्सीजन लेवल के लिए जो भी इससे निकले हैं कोरोना से, उनको आज हमारा जो है ये प्रोन पोजीशन तो उन सबको आनी ही चाहिए, और कहीं ना कहीं गुब्बारा फुलाने की या दूसरी चेस्ट एक्सरसाइजेज जो योग और उसमें जो है आपको बताई जाती हैं, उनको पोस्ट कोविड सभी पेशेंट को करना आवश्यक है। वो इसके अंदर अनुलोम विलोम जो है जरूर करें, अनुलोम विलोम जो भी जो है पोस्ट कोविड के बाद करेगा उसको किसी प्रकार की वीकनेस नहीं आएगी, उसको किसी प्रकार के जो है बहुत ज्यादा जो है इससे ऑक्सीजन लेवल से संबंधित जो है कोई भी जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमें कुछ जो है प्रोन पोजीशन को जो है आप लोगों ने बहुत टीवी और इससे पढ़ लिया होगा, मुझे नहीं लगता उसके लिए जो है मुझे बताने की आवश्यकता है, लेकिन वोमिटिंग कुछ लोगों को होती है, भूख मर जाती है। तो जिन लोगों की भूख मर गई है वो क्या करें कि एक चम्मच वो निकाल ले रस नींबू का, एक चम्मच रस निकाल ले अदरक का और थोड़ा काला नमक, वो मिला करके उसको आप मुंह के अंदर जो है रख लें, उसको खाना नहीं है, सटकना नहीं है, सोलो नहीं करना है, आप सिर्फ उसको जो है मुंह के अंदर रख लेंगे और मुंह के अंदर कुछ देर 2 से 3 मिनट आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है लगेगा कि मुंह जो है आपका पानी से भर गया है, एकदम जो है आप उसको जो है पानी पानी जो है उसका जो है जिसको कि हम सलाइवा के नाम से जानते हैं, लार के नाम से जानते हैं, कि आज लार सलाइवा वो मुंह पूरा का पूरा मुंह उससे भर जाएगा और उसको आप 3-4 बार में धीरे धीरे छोटी छोटी घूंट से जो है आप सॉलो कर लेंगे। तो जब वो जाएगा यानी कि सलाइवा आपके ड्यूडेनम में जाएगा तो वो आपकी भूख को बढ़ाएगा, आपके जो है खाने का मन होगा और खाना डाइजेस्ट होगा, यानी कि सलाइवा जिसलिए हम 32 बार चबाने की बात करते हैं उसका भी साइंटिफिक जो पहलू है वो यही है कि हम जितनी देर तक जितनी बार जो है खाने को चबाते हैं उतना सलाइवा उसमें मिक्स होता है और जितना सलाइवा मिक्स होता है उतना ही सलाइवा डाइजेस्टन को हमारे खाने के पाचन को बढ़ाता है और इसीलिए खाने के साथ जो है पानी पीना या खाने के तुरंत बाद पानी पीना तो मना करते हैं आयुर्वेद में, वो बिल्कुल 1 घंटे तक 1.5 घंटे कम से कम जो है पानी नहीं लेते। उसका भी रीजन इसके पीछे वही है कि आप जो सलाइवा खाने के साथ मिलकर गया अगर उसको पानी पी करके डाइल्यूट कर देंगे, पतला कर देंगे तो हमारा डाइजेशन वीक हो जाएगा, डाइजेशन कमजोर हो जाएगा और डाइजेशन जब कमजोर होगा तो आपका खाना लीवर से पच नहीं पाएगा, आपको जो है ग्लूकोज उतना बॉडी में बन नहीं पाएगा, आपको जो है वो खाना जो है पचे बगैर ग्लूकोज निकले बगैर आंत में जाएगा तो वो गीला रहेगा, गीले से जो है वो आंत में पड़ा हुआ सड़ेगा, सड़ेगा तो गैसेस बनेंगी और गैसेस बनेंगी तो आपको जो है उससे दूसरे कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। और हम लोग आयुर्वेद में जो डूज और डोंट समझाते हैं उसके अंदर यही बताया है कि आप अपनी दिनचर्या को यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बताया होता है, समय होता है कि कब जो है आपका गैस बनने का समय है, कब पाचन का समय है, कब लीवर एक्टिवेट, तो लीवर के और इसके सारे जो है अगर समय को बायोलॉजिकल क्लॉक को हम पढ़ लेंगे देख लेंगे तो हमें 11 बजे के बाद कभी भी जागना नहीं चाहिए। जो हमने कोरोना के अंदर सबसे बड़ी भूल की जिससे दूसरे फेज में जो यंग जनरेशन पे इसका जो अटैक हुआ उसका कारण यही था कि कुछ लोग जो एजिड थे वो अपने टाइम पे खाना खाके और वो सो जाते थे, उन पे असर उसका कम हुआ, लेकिन हमारी यंग जनरेशन ने वो सारी गलतियां की क्योंकि घर में रह रहे थे, देर तक जो है वो जो है टीवी पिक्चरें और वो सारा जो है लैपटॉप यूज करते रहे और जब देर तक जागे तो उनको जो है रात में जो है देर तक जागेंगे तो भूख लगेगी। अगर आपने जो है खाना जो है 6-7 बजे खाया, 8 बजे खाया और आप 2 बजे तक जाग रहे हैं तो आपको जो है 12-1 बजे के बाद फिर भूख लगती है, फिर वो खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिस रात में जो है लीवर को रेस्ट करना चाहिए उस वक्त उसको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला और रेस्ट नहीं मिलने से आपको जो है वही सारी चीजें, आपका लीवर रेस्ट नहीं कर पाया और आपको मालूम होना चाहिए
कि जितना भी जो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, यानी कि 98.4 अगर उसको सही रखने का काम है वो लीवर का ही। लीवर अगर वो टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो आपको स्वेटिंग के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है। अगर वो जो है बढ़ने लगता है तो लीवर उसको जो है आपको तुरंत जो है ना मोशन के थ्रू और उसको जो है बाहर निकाल देता है। लेकिन रात में देर तक जागने से, देर से उठने से आपका मोशन भी टाइम पे, जब आप लोगों को जाना बंद हो गया तो आपका कॉन्स्टिपेशन ने भी शुरुआत कर दी। आपको डर नहीं रहा, घर में है कोई बात नहीं, जब आएगा तब चले जाएंगे। यानी कि आपकी दैनिक चर्या जो मैंने बताया कि ये रोग आने से बचाता है आयुर्वेद, आज नेत्रोपैथी रोग आने से बचाती है। किस लिए? क्योंकि वो सूर्योदय से पहले आपको सोच को क्लियर करने का विधान बताती है। और जैसे जैसे सूर्योदय होता है गर्मी बढ़ेगी, सूर्य की गर्मी का जो है जैसे जैसे प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे बल सूखना शुरू हो जाएगा, वो जमना शुरू हो जाएगा, हाथों में चिपक जाएगा और आपको बहुत सारी पाइल से लेकर के कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड सब बीमारियां उसमें आ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो है सारी चीजों में हम लोगों को जो है सबसे ज्यादा जो हमें भुगतना पड़ा, यंग जनरेशन को जो अभी दूसरी लहर में आकर के जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उसका कारण यही था कि उन लोगों ने देर तक जागे, देर से उठे, खाने का समय नहीं रहा, घूमना फिरना बंद हो गया। बस अच्छाई एक ही थी जिससे उस वक्त वो बीमार जो है नहीं पड़े, कि बाद में इफेक्ट आया। अच्छाई क्या थी कि हम लोगों ने बाजार का सड़ा गला भुना तला वो सारा नहीं खाया। तो आज हम लोगों को जो है सबसे बड़ा जो है इस वक्त जो है अगर लेसन लेना है यही लेना है कि हम अपनी दिनचर्या को, बायोलॉजिक क्लॉक को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दें। ये युवा के लिए आज भी संदेश है और आगे भी उनको जीवन में इसको अपना लेना चाहिए। तो आज इस तरह के जो है उसमें हम जो है कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया कि सवेरे सूर्योदय से पहले सोच की नियमित जो है आप अभ्यास डाल दें, साथ में सूर्योदय के 2 से 2.5 घंटे के बीच में आप ब्रेकफास्ट जरूर ले लें। खाली पेट जितना लंबा रहेंगे उससे गैस बनेगी, क्योंकि आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो डाइजेशन भी पुअर हो जाएगा। तो बेटर है कि आप सूर्योदय के बिल्कुल 2.5 घंटे के अंदर अंदर आप अपना खाना ले लें। आप लोगों ने अभी देखा भी होगा, यही जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लूज मोशन हो जा रहे हैं या वोमिटिंग सेंसेशन हो जाती है, भूख कम हो जाती है। और साथ में पहले तो ओल्ड एज वालों को जो है ये रहा कि उनको जो है नींद की दिक्कत रही, बेचैनी होने लगी, लेकिन अब भी तो मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें मैं नोटिस किया है कि वो यंग जनरेशन उनकी नींद डिस्टर्ब, क्योंकि सोने का टाइम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कभी दिन में सो गए, कभी रात में जो है 2 बजे सो गए, कभी जो है कितने बजे उठ गए। तो ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने जो पैदा किए थे, आज उसका रिजल्ट है कि जिनको भी कोरोना के थोड़े सिम्टम आए तो उनको इरिटेशन, उनके अंदर जो है चिड़चिड़ापन, उनके अंदर जो है भूख की कमी, उनके अंदर ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशन आए। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक कर लें, खान पान को ठीक कर लें। और एक बड़ा रिसर्च जो है जिसमें ना सरकार को कुछ करना पड़ा और ना ही किसी आयुर्वेद को करना पड़ा, आप लोगों ने देखा कि एक रिसर्च अपने आप में होकर के सामने आ गई। डाटा जो है आपने देखा कि केमिस्ट के यहाँ पे जो मेडिसिन की सेल थी, जो हमारे ड्रग की सेल थी, वो 53% रह गई, 47% वो सेल कम हो गई थी। यानी कि ऐसे लोग जो दवाइयों को लेते रहते थे, खाते रहते थे, उन लोगों को जो है दवाइयां किसी कारण मिल नहीं पाई या ला नहीं पाए, उसके कारण उन्होंने, तो हमने नोटिस किया कि जो रोजाना इन अस्पताल में इमरजेंसी हमारे भरे रहते थे, दिल्ली एनसीआर की तो मैं बात बताऊं तो आज अस्पतालों की गिनती नहीं है और वो सब क्राउडेड होते थे इमरजेंसी से, आज वो सारी इमरजेंसी कोरोना में कहां गई, सबके सामने है। इससे बड़े और डाटा किस सरकार को जरूरत है, कौन सी सरकार को जरूरत है,
ये जो है बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो कोई इमरजेंसी हुई और ना ही दवाइयां भी पूरी जो है नहीं ली गई, उसके बाद भी लोग ठीक रहे। तो आज सबसे बड़ी रिसर्च, इसमें पहली रिसर्च कि हम बाहर की जो है पोल्यूशन, बाहर के तेल घी के जो है खाने, जंक फूड का खाना, वो सिर्फ अगर कम कर दिया तो हमें दवाइयों की जरूरत कम रही, यानी कि दवाई मिली नहीं, ला नहीं पाए, मजबूरी नहीं रही, यानी कि उसके बाद भी हम लोग ठीक रहे। और बहुत लोगों ने आज उस दवाइयों को अपने को समझ पाए कि हमें दवाइयों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितना हम लोग उसको खाते रहते हैं, बिना डॉक्टर की जो है एडवाइस के खाते रहते हैं और वही नुकसान जो कर रहे थे। तो आज बहुत लोगों को ये अपने आप एक बड़ा विषय रिसर्च का हो गया कि इस तरह का अगर लाइफस्टाइल जिसकी हम बात करते हैं आज, चाहे वो नेचुरोपैथी का सिस्टम हो, चाहे आयुष की कोई भी पद्धति हो, सब जो लाइफस्टाइल के बारे में जोर देती है, रोगों को आने से जो बचाने की बात करती है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने रहा कि हमने उसमें अभी सब लोगों ने सीखा कि कोई इमरजेंसी जो है नहीं आई, किसी तरह की वो नहीं हुई और कहीं भी दवाइयों की जो है मारामारी नहीं हुई। लेकिन आज वो मारामारी जितनी जो है केमिस्ट के सेल की कमी थी वो सारी पूरी उसमें जो है पैनिक क्रिएट करके और पूरा का पूरा जो है मेडिकल सेक्टर जो है वो पूरे लूट के जो है सिस्टम पे आ गया और कहीं भी जो है उसने जो है मानवता को जो है कोई भी वो नहीं किया। सारी जो है दवाइयों को आज जो है शॉर्टेज दिखा के गायब कर दिया। आज यही पे सरकार को समझने की जरूरत थी, जहां इस तरह की वो आया तो आपने एम्स जो आयुर्वेद का जो है दिल्ली में खुला हुआ है वहां पे मरीजों पे इस वक्त सबके वो हुए। आज आयुष का जो है पूरे बुखार, जैसे हम रेमडेसिविर और ये जो है ये कोई हमारी कोविड की दवा नहीं है, कोविड में उसको ट्रायल किया, उस पर कहां रिसर्च है कि वो कोविड में जो है वो करेगी, सिर्फ जो है ट्रायल किया, अलाउ किया, उसने काम करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू। उसी तरह आज हमारे पास आयुष 64 जो आज कितने सालों से जो है हमारे हर तरह के वायरल बुखार में, डेंगू में, उन सब में कारगर सिद्ध हुई हुई थी, उसको जो है आज परमिशन देने में जो है सरकार ने अभी 15 दिन पहले या एक महीने पहले उसका डिसीजन लेके उसका नोट जारी किया कि कोई भी जो है अस्पताल एलोपैथी के साथ में भी आयुष 64 का प्रयोग करके, और वो सारी किटें बांटी गई। अगर उस वक्त ये किट जो है पहले से दे दी गई होती, जबकि किट हमें दी गई कौन सी, आज एंटीबायोटिक की किट जो है वो बांटी गई सब जगह। आज आप लोगों के सामने प्रमाण है, 80,000 पुलिस के लोगों को जो है आयुर्वेद की जो है किट बांटी गई थी, आज देखिए जो है उनकी संख्या को कि उनको कितना ज्यादा जो है उसका प्रभाव रहा कि वो कितनी सख्त ड्यूटी देते हुए भी संक्रमण का उतना रेट उसमें 80,000 पुलिस वालों को देखने को नहीं मिला आपको। क्यों? क्योंकि उनको जो किट डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो आयुर्वेद की किट जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई। आज दूसरे जो है वर्कर जो है आशा वर्कर और जो है सब जो है दूसरे लोगों ने जो है स्टाफ के लिए या मेडिकल स्टाफ के लिए जो किट दी गई वो एंटीबायोटिक की दी गई, और वो एंटीबायोटिक किट जिसके घर में थी उन्होंने बुखार आते ही वो एंटीबायोटिक और उसमें जो स्टेरॉइड भी थे वो सारे, जबकि सभी डॉक्टर्स की ओपिनियन थी कि बुखार के 5 दिन तक पूरे होने तक कभी भी स्टेरॉइड यूज नहीं करना है। और आज उसी स्टेरॉइड की अधिकता के कारण जो डेथ रेट बढ़ा वो वही बढ़ा, क्योंकि वो स्टेरॉइड पहले दिन से दूसरे दिन से शुरू कर देते थे और स्टेरॉइड इतना लिया गया कि आज फ्लोटिंग बॉडी के अंदर होनी शुरू हो गई। और इस वक्त ठीक होने के बाद कोरोना से जितने लोग जो है 16 दिन जो है कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट को जो है आने के बाद भी जो लोग घर में आए वो घर में जो है आकर के डेथ हुई, डेथ जो है कोरोना से नहीं हुई, कोरोना के कारण जितना हमने स्टेरॉइड और जो है एक्सेस स्टेरॉइड का यूज किया, स्टेरॉइड जो है जहां जरूरत है वहां देना चाहिए, लेकिन सभी ओपिनियन डॉक्टर्स की यही रही कि 5 दिन से पहले हमें इमीडिएट बुखार के शुरू होते ही स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, स्टेरॉइड बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं लेना चाहिए। और हमने वो किटों में बांट करके लोगों को दे दिया, जिन्होंने बिना किसी से जो है कंसल्ट किए उसको वो करना शुरू कर दिया।
जिसके कारण हमारा सबसे ज्यादा पैनिक जो है उसमें जो है क्रिएट हो गया। तो आज हम ध्यान रखें कि अभी भी चाहे वो पोस्ट कोविड है, चाहे वो बच्चों में आने वाला वो भी है, उसमें भी वही सिम्टम्स आने वाले हैं। बच्चों में डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी, आंख की इरिटेबिलिटी होगी, भूख कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, और यही सारे रैशेज हो जाएंगे स्किन में। ये सब अब आने वाली जो उसकी वो की जा रही है फोरकास्टिंग, उसमें भी यही चीजें वो आए। तो हमें उस वक्त बच्चे को तुरंत जो है ये कोई भी चीज ना हो। आयुर्वेद में आज हमारे महर्षि कश्यप ऋषि ने स्वर्ण प्राशन का जो है एक जो है संस्कार जो है उसमें जिक्र किया हुआ शास्त्रों में, और हम लोग इस स्वर्ण प्राशन के संस्कार को करीब जो है यहाँ दिल्ली NCR में 3 साल से जो है रेगुलर करा रहे थे। ये सिर्फ एक ही दिन पुष्य नक्षत्र में जो है उसको कराया जाता है। अभी पुष्य नक्षत्र महीने में एक बार आता है, तो हम जो है उन बच्चों के लिए जो पहले हकलाते थे, तुतलाते थे, जिनको माँ की फीडिंग प्रॉपर नहीं मिली थी, जिनकी ग्रोथ नहीं हुई है, जिनकी याददाश्त शक्ति कम है, जो मेंटली जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, ये सारा उन सब में और बच्चे के इम्यून को बहुत ज्यादा मेंटेन करने में हेल्पफुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि कश्यप का स्वर्ण प्राशन विधान आप उस पे डालेंगे वो मिल जाएगा। हम लोगों ने अभी जो अभी 17 तारीख को जो है शुरू होके 18 तक जो है स्वर्ण प्राशन जो है उसका कराया सब बच्चों का, जो कम से कम मेरे संपर्क में जितने लोग थे उनको मैंने जो है 50 से जो है 70 लोगों को जो है पहली डोज उनकी जो है उस संस्कार विधि के हिसाब से पुष्य नक्षत्र में कराई। और अब रेगुलर रोजाना हम जो है बच्चों को जो है बुला करके स्वर्ण प्राशन, जिससे जो है कम से कम उसमें कोई भी चीज का नुकसान 1% कहीं नहीं है देने से, उल्टा उसको देने से इन सारी चीजों पे, यानी कि उनकी जो है बुद्धि कुशाग्र होगी, बुद्धि तेज होगी, उनके जो है ये काम करने की कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, बच्चे का चिड़चिड़ापन कम होगा, बच्चे में जो है जो हमारे जो हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से जो बैलेंस है वो करेगा, और साथ में उसकी ओवरऑल ग्रोथ को भी वो काम करके और हमारे बाकी सब एस्किरेटरी दूसरे सिस्टम को वो मेंटेन करके बैलेंस करता है। तो ये खुराक आप जो लेने में कहीं नुकसान नहीं है और उसमें बहुत कुछ होता नहीं है। आप पढ़ेंगे तो ब्रह्मी घृत है, ब्रह्मी के अंदर ही थोड़ा बच जो है घृत में डाल देते हैं, उसमें एक दो जो है चीजें और डालते हैं, और वो डाल करके घी के साथ में शहद का कॉम्बिनेशन है 1:2 की रेशो में मेंशन है। आप जो है खुद प्रयोग नहीं करें, ये भी प्रयोग बच्चे का जो है मामला है, और ये 1 महीने के बच्चे से शुरू होकर 16 साल के बच्चे तक दिया जाता है, उसकी डोज निर्धारित है। 1 महीने से जो है अगर हमारा जो है बच्चा 2 साल तक का है तो उसकी डोज कितनी रहेगी, उसके 2 साल से लेकर 5 साल तक क्या रहेगी, 5 साल से लेकर के 10 साल की क्या होगी, और 10 साल से लेकर के 16 साल की डोज क्या होगी। तो ये जो है बहुत अच्छी कंपनियां, दूध पापेश्वर एक है, ये किसी मेडिकल शॉप पर नहीं मिलेगा, और दूध पापेश्वर जो कंपनी है वो भी किसी को जो है इसको सेल नहीं करती, एक्सेप्ट जो रजिस्टर्ड जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उन्हीं को वो डायरेक्ट जो है उनके रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हीं को ये जो है टेबलेट जो है देती है, जो इसी घृत में मिला करके या शहद में मिला के या पानी में मिला के डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये सारी उसके लिए जो वो है, तो हम लोगों ने इसका अभियान जो है चला दिया है कि ऐसे बच्चों को हम तैयार करें जिनको आने वाले टाइम में किसी प्रकार का इस तरह का जो है डर भय उनको जो है या ऐसी विसंगति से उसको जो है नहीं गुजरना पड़े, वो हम तैयारी में लगे हैं। तो उसी तरह से अब पोस्ट कोविड के लिए थोड़ी बात करें, क्योंकि समय हमारा स्टार्ट करने में इतना निकल गया कि लोग जो है शायद ना उम्मीद भी हो गए कि हम जो है कुछ बहुत बताने वाले नहीं है, चले गए। तो आज अभी इस सेशन को बहुत लंबा नहीं करते हुए क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम रखना चाहेंगे, तो उसके लिए मैं 3-4 चीजें पहले कॉमन जो पूछने वाले होते हैं वो बता देता हूं। उनमें आपको जरा सा भी बुखार अगर आता है तो आप पीपल के 6 पत्ते, पीपल के पत्ते कोपल नहीं हो, नए नहीं हो,
पीपल के वो पत्ते हों जो पेड़ पे काफी दिनों से पुराने हो चुके हैं, गिरे हुए नहीं, पुराने पेड़ के ऊपर के वो छह पत्ते ले लें। ये हमारे कफ ना बनने के लिए, ये हमारे जो है लंग्स को जो है अच्छी तरह से जो है काम करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ में एक चम्मच आटे का चोकर ले लें, ये भी हमारे कफ को जो है पिंगला करके हमारे सिस्टम को पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को और फाइबर का काम करते हुए ये हमारे कॉन्स्टिपेशन सब चीजों को दूर कर देता है। जैसे मैंने बताया था कि बुखार के लिए आज लीवर का हेल्दी होना जरूरी है। अगर लीवर हेल्दी है और आपके रोम कूप जो पोर्स होते हैं आपके पसीने के, अगर वो जाम नहीं है, इन दिनों में जैसे गर्मी शुरू होती है तो बाहर हम जरा सा कहीं भी निकलते हैं तो पसीना आता है और वो पसीना छिद्रों से बाहर निकल रहा होता है, उसी प्रोसेस में हम एकदम एसी में या ठंडे उसमें चले जाते हैं तो जो पसीने की गंध हमारे पोर्स के अंदर बाहर निकलते हुए प्रोसेस में थी वो वही पोर्स बंद हो जाते हैं और वो अंदर चिपक जाता है। तो इससे हमारे पोर्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो गई तो वो भी हमारी गैसेज और वो सारा बंद होने से बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और वहां लीवर भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि लीवर बॉडी की हीट को रेगुलेट करने के लिए वो इन्हीं दो रास्तों से, या तो स्वेटिंग से या फिर जो है वो आपको जो है मोशन लगा करके और उसको जो है पेट को क्लियर करके उसको करता है। वो दोनों बंद होंगे तो बुखार आए, और बुखार आने के लिए पहला रास्ता यही कि आप तुरंत कोशिश करें पेट साफ हो जाए। उसके बाद आप कोई भी जो गिलोय, और ये हम बताते हैं, तो उसमें गिलोय ले लें, हल्दी ले लें, और सिर्फ आपके घर में जो अदरक होती है वो ले लिया। बुखार के लिए अमरूद के छह पत्ते ले लें, छह पत्ते पीपल के ले लें। बहुत लंबी चौड़ी कोई गर्म चीजों की रेसिपी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसकी जो है सिंपल एक जो है काढ़ा नहीं, आप सिंपल चाय बनाए और पंखा बंद करके आप चादर लेकर के उसमें जो है लेट करके, ये बैठ करके जो है चादर ओढ़ करके आप उसको चाय को आप पी लें, और जैसे ही चाय पीने की गर्मी बॉडी में आएगी उसी वक्त गर्मी फील होते ही आप तुरंत एक तौलिया गीला ठंडे पानी में गीला कर लें और उसको आधा निचोड़ के, जिससे शरीर पे पानी बिखरे नहीं, सिर्फ उनको गीला रखें तौलिया को आधा निचोड़ करके पूरे बदन को, हाथ पैर मुंह पेट पैर थाई सब चीजों को स्पॉन्ज कर दें, और वो तौलिया बार बार जो है डिप करके उसमें पानी में दोबारा से गीला करते रहें। आप डिप करेंगे तो इसका साइंटिफिक जो है एस्पेक्ट ये रहेगा कि अंदर आपने जो है चाय पी उसकी हीट अंदर है तो पोर्स का जो अंदर का हिस्सा है वो हीट से फैल जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और डायलेट होगा तो वो जो है खुल जाएगा और बाहर से हम कॉन्ट्रेक्शन के लिए उसमें हम ठंडा तौलिया लगा रहे हैं। ठंडे तौलिये से जो हमारे रोमकूप है वो तुरंत उसको जो है और ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पिचक जाएंगे, तो उसके अंदर जो भरा हुआ मल है वो अंदर की तरफ बॉडी के अंदर जो है जब उसकी गर्मी से वो होल्स हमारे रोम कूप चौड़े होंगे तो वो पूरा पिचक करके अंदर की तरफ चला जाएगा, और जब वो मल हट जाएगा तो अंदर बॉडी की हीट उन्हीं पोर्स के थ्रू शरीर से पसीने के रूप में बाहर आ जाएगी। यानी कि चाय के बाद में स्पॉन्ज करने से आपको पसीना आएगा ही आएगा, और वो पसीना निकल जाते ही आपका बॉडी टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप जो है कुछ भी जो है चीजों को जो है आप करते रहें, और हमने बहुत प्रयोग किए जिनको जो है ये जो कफ और छाती में खांसी, आप समझ लें हर खांसी को कोरोना बिल्कुल नहीं माने। राइनाइटिस जो है एक वायरस होता है जो हमारे जुकाम खांसी के लिए जो है जिम्मेवार होता है। अगर किसी को राइनाइटिस जो है अगर हुआ है, यानी कि नाक से अगर आपका बहना शुरू हो गया नाक और नाक से पानी निकल रहा है और उसमें जो है बलगम जमा हुआ नहीं वो निकलने वाला है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपको कोरोना का किसी तरह से जान का खतरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि राइनाइटिस वायरस जहां आ जाता है वहां पे कोरोना वायरस इफेक्टिव कभी नहीं रहा। ये इफेक्टिव वही होगा जहां आप देखेंगे कि कफ ड्राई कफ है, जहां पे नाक ब्लॉक है, आपका जो अंदर छाती जाम है, कफ निकल नहीं रहा है,
वहीं पे कोरोना का अटैक ज्यादा होता है। तो इसको जो है पिघलाने के लिए हम लोगों ने लहसुन का जो है पीस करके पैर के तलवे में उसका जो है हल्के हाथ से उसकी मालिश की, मालिश करके और गर्मी में भी सॉक्स पहना दी, छाती पे जो है अजवाइन और जो है इसी लहसुन के तेल के जो है मालिश कर दी, स्टीम दे दी, और बैक में छाती के साथ बैक में भी करना नहीं भूले। वो देने के बाद में चेस्ट पैक उसमें जो है लगा दिया, उसको पैक कर दिया छाती को, और उसके साथ में हम नाक और गले की जो है उसके लिए और छाती में भी जो हमारा ब्रोंकाय, यानी कि सबने देखा कि बलगम की स्थिति में या चौक होने की स्थिति में किसी ने भी ये नहीं जो है उसको जो है सोचा कि आज सबने कहा व्हाट्सएप जो है उस पर जो आ रहा है उसको फॉलो मत करो, ये मत, आप देखेंगे अगर हाँ आपने कुछ ठीक चीजों को डाल करके ली है जिसके अंदर अजवाइन है, एक चम्मच हल्दी है, एक चम्मच अजवाइन है और साथ में प्याज, जैसे मैंने बताया था कि उसमें सल्फर होता है, तो उसके जो है आप नाक से मुंह से अगर भाप लेते हैं तो हमारी ब्रोंकाइल नली में जो कफ जम जाता है जिससे उसका पैसेज कम हो जाता है, पैसेज कम होने से आपका जो है ऑक्सीजन इनहेल करने में हमारी जो है कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, तो वही सारा कफ आपकी ब्रोंकाइल नली से पिघल करके अगर हट जाएगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल आपका सांस लेने के साथ साथ बढ़ जाएगा और आपको इस तरह की कोई परेशानियां नहीं आने वाली। और अगर आपको वोमिटिंग सेंसेशन है तो आप शीतली शीतकारी प्राणायाम करें। शीतली शीतकारी प्राणायाम में आप देखेंगे कि उसके अंदर आप जो है जीभ को कोल करके और उसको जो है सांस भरेंगे और जीभ को तालू में लगा करके मोड़ करके उससे सांस भरेंगे तो आप लोग जो है देख पाएंगे कि उससे तुरंत आपको जो है इमीडिएट अगर जो है कोई भी वोमिटिंग सेंसेशन, उल्टी आने की सेंसेशन है वो तुरंत दूर हो जाएगी। और आप जो है सेंसेशन अगर फिर भी थोड़ी बची रहती है तो हरे धनिए का रस निकाल लें, उसमें मिश्री मिला लें, उसको एक चम्मच ले सकते हैं। अगर वो भी तैयार जो है नहीं है तो आप घर में अभी बिल्कुल गर्मी का मौसम, आप बर्फ जो है जमा के रखे हो, आप आइस क्यूब जमा लें, हरे धनिए के रस डाल दें एक चम्मच और उसमें मिश्री डाल करके थोड़ा नींबू का रस डाल करके उसकी आइस क्यूब जमा दें। जब भी किसी को ऐसी सेंसेशन हो, हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज को भी उसका जो है वो कराते हैं कि अगर उनको उस वक्त जो है प्रेगनेंसी के दौरान अगर वोमिटिंग आती है या कुछ होता है तो ऐसे सभी को हम लोग जो है यही आइस क्यूब होठ के ऊपर लगा के, उसमें जीभ नहीं लगाते हैं, होठ के ऊपर लगा करके और उसमें आप जो है उसको सक कर गहरी सांस भरें, होठ के ऊपर से सांस जो है गहरी भर लें और गहरी सांस भरने के बाद आप कम से कम 5 से 10 सांस लेंगे, वोमिटिंग सेंसेशन उसी वक्त गायब हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को या आपको अगर उसमें दस्त आ गया है तो दस्त के लिए आप 6-7 इलायची, अगर बड़ा है तो, बच्चा है तो 4 इलायची, उसके दाने निकाल लें और उसको कूट दें और दाने निकाल के कूट करके आप जो है उसको इमीडिएट एक चम्मच दही लेकर के उसके ऊपर रख लें और इसके ऊपर एक चुटकी सौंठ पाउडर रख दें, सौंठ जिंजर पाउडर, और उसको गटक जाए। गटकने के बाद आप आधे घंटे तक कुछ नहीं खाएं, आप देखेंगे 2-4 बार ये करते ही आपका मोशन और किसी तरह की डिसेंट्री, गैस, सब चीजें आपकी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको मैंने अब जो है मैं ब्रीफ कर देता हूं सेशन को, जो है यहीं पे जो है हम ब्रेक करके क्वेश्चन आंसर लेंगे। फंगस के लिए आपको सैनिटाइजर चेक करके लेना है, नाक में आपको जो है बिल्कुल बर्ड्स नींबू का रस या कोई भी ऑयल वगैरह लेकर के उसको जो है अभी वीडियो ऑफ करो बेटा। तो अभी आपको जो है देखना है कि आप बिल्कुल जो है उस फंगस के लिए दिन में 2 से 3 बार नाक जरूर साफ करेंगे, उसमें जो है नारियल तेल या बादाम का तेल लगाएंगे या गाय का घी लगाएंगे। उसके अंदर आपने देखा है जो नाक में बाल होते हैं हमारे,
इस ब्लैक फंगस को रोकने में वही बहुत कारगर होते हैं, लेकिन कब, अगर उनमें पार्टिकल्स नहीं रुकते हैं तो उसको दिन में उंगली से आप नाक को कपड़े से साफ करते रहें, उसमें साफ करने के बाद में तेल लगाते रहें, आपको किसी फंगस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है तो नीम की पत्ती का प्रयोग इसके अंदर सबसे अच्छा है कि आप एक बार किसी वक्त भी नीम की 6-7 पत्ती को पीस करके अगर ले लेते हैं, या उसको जो है पानी में जो है बॉइल करके बच्चों को जो है उसमें थोड़ी मिश्री डाल करके भी अगर पिला सकते हैं तो आपको किसी फंगस इन्फेक्शन के या रैशेज होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। पसीने के कपड़े बहुत देर तक पहने नहीं रहे, गीले कपड़े पहन करके आप पसीना आ जाए गीले कपड़े पहन करके बिल्कुल ना रहें, और घर में खाने की चीजों को कहीं भी बासी यूज नहीं करें ना घर में रखें। तो ये कुछ फंगस से बचने के जो है आपके उसके जो है वो है, और साथ में ये एंटी जो है मैंने बताया था ऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक का काम करती है। गिलोय को हम किसी भी रूप में सिंपल काढ़ा नहीं बनाएं, हम उसको बॉइल करके 1 या 2 1-1 इंच के टुकड़े जो है हम बॉइल करके उसके साथ में ले लें, उसके साथ में थोड़ी हल्दी भी डाल लें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये ध्यान रखें कि हम जो है बहुत बड़ी गलती ना करें, अगर बच्चों में आता है या बड़ों में भी आता है तो स्टार्टिंग में गला खराब हो या बुखार हो तो पहले 4 से 5 दिन दूध, हम लोगों ने बहुत गलतियां जो है उसमें की, दूध में हल्दी डाल करके हम लोगों ने प्रयास करते रहे कि उसके अंदर वो जो है शुरुआत में हमें बिल्कुल भी जो है नहीं पीना, शुरुआत के अंदर ये याद रखें कि वो जो है हमें नहीं लेना है। 4 दिन 5 दिन जब हो जाएं तब आप जो है दूध में हल्दी डाल के प्रयोग करें, लेकिन फर्स्ट 5 डेज आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट तुरंत बंद करने, चाहे वो आपको फंगस जो है वो आ रहा हो तब भी आप उसको नहीं लेंगे, चाहे आपका जो है बुखार गला खराब हो रहा है तब भी आप उन सिम्टम में उसको नहीं प्रयोग करें। और मैंने बताया कि अगर आपका गला खराब है तो जो मैंने हल्दी वाला बताया, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच उसमें शहद और 1/2 चम्मच हल्दी मिला के चाट के 1 घंटे तक पानी या कोई भी चीज खाएं नहीं, आप जो है 2 बार कर लेंगे तो गला ठीक हो जाएगा। आपको जो है अगर बुखार आया है तो मैंने ये बताया आप जो है वो कर देंगे, और बुखार के टाइम पे बच्चा है तो उसको खीरे की पैर के तलवे में मालिश भी करेंगे तो बुखार डाउन हो जाएगा। साथ में माथे पर गाय के घी की पट्टी रख सकते हैं, ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं, और पेट के ऊपर भी ठंडे पानी की पट्टियां उसमें रख सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया, गवर्नमेंट ने जो है अभी उसका वो भी जारी कर दिया ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कि आप आयुष 64 की गोली का प्रयोग तुरंत शुरू कर दें, आप घर में रख लें, गवर्नमेंट के केंद्रों पर फ्री मिल रही। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे आयुर्वेद जो कहता है कि मैं बीमार होने से ही बचा लूंगा तो ये सार्थक होगा, सिद्ध होगा। लेकिन B12 के लिए, डी विटामिन डी के लिए 1/2 घंटा अगर आपने इस लॉकडाउन में घर बैठे हैं तो 1/2 घंटा धूप नहीं ली तो वो कमी होगी, उसके कारण याददाश्त कम हो जाएगी, उसके कारण आपको तुरंत जो है वो सब चीजें। तो एक चीज तैयार कर सकते हैं आप घर में, अगर किसी को भी कोरोना हुआ है तो उसमें आपको ये बना लें कि आप 100-100 ग्राम तरबूज के बीज की गिरी, 100 ग्राम खरबूजे की गिरी, 100 ग्राम जो है आप जो है सनफ्लावर के बीज की गिरी ले लें, और उसमें थोड़ा सा जावित्री पीस करके 20 ग्राम मिला दें, उसके अंदर थोड़ी अलसी के बीज जो है डाल दें और बादाम उसमें जो है डाल दें, ये पीस के एक मिश्रण बन जाएगा। जिनको शुगर नहीं है वो मिश्री भी इसमें बच्चों के लिए ऐड कर सकते हैं, वो 1-1 चम्मच आप जो है, और इसमें अश्वगंधा जो सबसे बड़ी कारगर रही है आपके इम्यून के लिए, वो अश्वगंधा का पाउडर मिलता है, आप बाजार से ले लें, अश्वगंधा की जड़ मिल रही है घर में पीस लें तो वो जो है 50 ग्राम उसमें डाल करके रख दें, और इस पाउडर को सवेरे शाम आप लेते रहें तो आपका इम्यून भी ठीक रहेगा, आपको पोस्ट कोविड जो वीकनेस आई है वो भी कवर हो जाएगी, जो विटामिन डी B12 की कमी है वो भी इसमें जो है कवर हो जाएगी, और सारी चीजों से आप रिकवर होना शुरू होंगे। साथ में डाइट में
100 से 200 ग्राम सब्जी जरूर खानी है, एकदम बॉइल्ड खानी। 150 से 200 ग्राम फल जरूर लेने हैं दिन में। 300 से 400 ग्राम सलाद आपको खानी खानी है। और 20 से 25 ग्राम मेवे, चाहे वो बादाम के रूप में, तो अखरोट हो, 5 मुनक्का हो, 5 किशमिश हो, और उसके साथ अंजीर लें, या आप उसके साथ थोड़ी सी जो है, आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है हम सौंफ या जो है कलौंजी डाल देंगे, तो कलौंजी हमारा बहुत अच्छा सोर्स है जो हमारी बॉडी के जो है डेफिशिएंसी को कवर करने में सबसे इमीडिएट जो है जल्दी काम करता है। तो आज के सेशन की जानकारियों में मैं चाहूंगा, काफी लंबा हो चुका है क्योंकि 1 बजे से शुरू होकर के जो है 1:35 हो चुका है अभी। जितने इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन हो सिर्फ वही लें, रिपीट नहीं करें। अगर फिर भी किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाए और किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो नंबर नोट कर लें, 9810054759, 9810054759। लेकिन अननेसरी नहीं, जरूरत के समय ही मैं हमेशा आपकी उस सेवा के लिए तत्पर रहूंगा, आपको गाइड करूंगा। और आने वाले किसी भी इस तरह के समय से हम अपने आप को बचाएं, उसमें मेरा सहयोग आपके साथ रहेगा। तो मैं अभी चाहूंगा कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं तो करें, ज्यादा लंबा सेशन नहीं कर पाएंगे आप। धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से आयुर्वेद की भूमिका और विशेषकर गिलोय और अन्य वनस्पतियों जैसे अश्वगंधा और हल्दी, इनके इनके महत्व के बारे में बहुत विस्तार से आपने चर्चा की। साथ ही अभी जो आपने वियतनाम की केस स्टडी के बारे में बात की, जहां पर म्यूटेंट वैरायटी मिल रही है, म्यूटेंट स्ट्रेन मिल रहे हैं वायरस के, कोविड वायरस के, और उससे जो बच्चों में एक संभावित खतरा है उसके बारे में भी आपने हमें विस्तार से बताया। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपने स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ और अनुशासित दिनचर्या के महत्व के बारे में आपने हमें अवगत कराया। हम सभी जानते हैं लेकिन उनमें से बहुत लोग नहीं कर पाते, और साथ ही साथ बच्चों के लिए जो स्वर्ण प्राशन की आवश्यकता है, ये एक नई चीज है। सामान्यतः मॉडर्न मेडिकल साइंसेज में इन चीजों का कहीं कोई विवरण नहीं मिलता है। इसमें मयंक जी जो है ये नया नहीं, आप डाल करके उस पर जो है डालेंगे इंटरनेट पे, अगर डालते हैं स्वर्ण प्राशन या जो है महर्षि कश्यप ऋषि स्वर्ण प्राशन, तो इसके बारे में पूरी डिटेल, ये किस में काम करता है, सबको एवरी बड़ी कैन सी एंड जो है लर्न जो है कि ये कहाँ पे यूज होगा। जी सर, सर मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए, एलोपैथ के लिए शायद नई चीज हो, लेकिन वैसे तो आयुर्वेद के लिए तो ये पुरातन ज्ञान ही है। तो मुझे नहीं लगता सर इतने विस्तार से चर्चा के बाद कोई, क्योंकि अभी हमारे पास कोई क्वेश्चंस आए नहीं है। एक क्वेश्चन मैम की तरफ से, हमारी डॉक्टर उदिता अग्रवाल मैम है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्लैक फंगस की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, देखिए उसके जो है लक्षण जो है मैडम जो है आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत का एक ही है कि या तो स्किन का कलर चेंज होता है या स्किन के अंदर जो है कहीं भी इरिटेशन आती है, शुरुआत उससे भी होती है, लेकिन जहां भी अगर हमारे रैशेज आ गए या कुछ आ गए तो वो क्योरेबल है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर स्किन का कलर चेंज हो गया या कहीं भी नाक में अंदर कालापन आ गया या उसके अंदर कोई जो है जख्म है या आंख बाहर की तरफ आ गई या जो है आंख के नीचे यहाँ कालापन आ गया या होठों पे कहीं जो है एकदम जो है ब्लैकनेस जो है कहीं आ गई या कहीं घाव है उसमें कालापन आना शुरू हो गया, ये सिर्फ जो है इसी तरह के लक्षण है। और बहुत पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सारा फंगस पहले भी होता था, लेकिन ज्यादा सावधानी जो लोग डायबिटिक हैं उनको जो है नमी से यानी कि मॉइस्ट से बचना है और पुरानी बासी चीजें नहीं खानी, हाइजीन मेंटेन करना है, वो आपके चाहे घर का फ्रिज हो चाहे वो आपकी जो है कुछ चीजें हो, यानी कि आपको जो है जो बेसिक चीजें मैंने बताई हैं ये आप फॉलो करेंगे तो किसी तरह कुछ भी पैनिक और इसके बारे में बहुत सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक ही चीज समझाता हूं कि बादल रोज दिखते हैं लेकिन अगर हम किसी चीज को
बादलों को ही अगर जो है 20 मिनट तक देखते रहें एक तक, तो वही बादल जो हमें सिर्फ बादल दिखते थे 20 मिनट देखने के बाद उनमें या तो भगवान दिखेंगे या कोई देवता दिखेगा या कोई जो है भूत पिशाच दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी जैसी मानसिकता होगी वही चित्रण बादलों में आ जाता है। तो आप सोच के रखें कि बहुत डर रखेंगे, बहुत नेगेटिविटी रखेंगे, बहुत ज्यादा जो है अगर इस तरह की बातों को जो है सोचते रहेंगे, मन में डर बनाए रखेंगे, तो ये जरूर डेवलप हो जाता है, ये हालात उसी तरह पैदा हो जाते हैं। तो मन से बिल्कुल निकाल दें, आप निश्चिंत हो जाएं और आप सोच के चलें कि हमारे पास इतनी जानकारी इतना सब जो है हमें किसी तरह की ऐसी कोई भी चीज आने वाली नहीं। जी धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है कि शंख प्रक्षालन से, हमारे अनिल सर ने पूछा है कि शंख प्रक्षालन से कोई फायदा होगा क्या? हाँ, मैं मेरे जो है ये बच्चे के बराबर भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ जो है प्रोफेसर के उसमें भी हैं अनिल कुमार सिंह, मैं नाम से ही देख पा रहा हूँ। तो क्योंकि ये योग से जुड़े हुए हैं तो इन्होंने योग से संबंधित ही प्रश्न किया है। तो अनिल जी आपका स्वागत है, नमस्कार, और साथ में बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज 80% लोग कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त हैं और उनको 80% लोगों को 80% बीमारी कॉन्स्टिपेशन के कारण ही डेवलप होती, और ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है शंख प्रक्षालन कंप्लीट, और इसी में एक और प्री स्टेज है अर्ध शंख प्रक्षालन, आधा शंख प्रक्षालन, यानी कि वो किसी की देखरेख में ही करना चाहिए, कभी स्वयं नहीं करना चाहिए, अनट्रेंड को नहीं करना चाहिए। उसमें हम कुछ चार आसन के पोस्चर देते हैं और वो चार आसन के पोस्चर पानी पिला पिला के कराते हैं, यानी कि उसमें स्थिति ये आती है कि हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है, और उससे जब आपका शोधन हो गया शरीर का तो आप मान के चले, हम लोग तो एक ही प्रिंसिपल जो है इसमें बताते हैं कि जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में गंदगी होगी तो उस गंदगी के साथ मिलकर के स्प्रेड करता है। अगर शरीर में गंदगी नहीं है तो उसके स्प्रेड करके घातक जो है सिद्ध होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। इसमें आप निश्चित तौर पे जान लें कि आपके शरीर का शोधन चाहे वो जलनेति से हो, चाहे वो अर्ध शंख प्रक्षालन से हो, चाहे वो आपका कुंजल से हो, अगर शोधन प्रक्रिया जिसने भी अपना ली उसको किसी तरह के, खाली कोरोना ही नहीं, किसी तरह के रोग की कभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ओके मयंक जी, आई थिंक जो है अब इसको जो है यहीं पे जो है सेशन को हम फिनिश करते हैं, और आप सभी लोगों का, विशेष कर जो है प्रोफेसर आर के गुप्ता जी का, जिन्होंने आप लोगों से जो है मुझे मिलने का मौका दिया, लेकिन इस तरह के टेक्निकल जो है सेशंस में उसमें कोशिश करें कि ऐसी जानकारियों को हम जो है, कुछ बच्चे जो नहीं सुन पाते हैं उनको जो है इसको फेसबुक के या दूसरे माध्यम से भी उन तक पहुंचाएं, जिससे जो उनके मन की नेगेटिविटी खत्म हो, उनका डर खत्म हो, और जानकारियों से वो लाभ लेकर के इस तरह के पेंडेमिक में वो अपने आप को स्वस्थ जो है रख पाए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। वैसे दो प्रश्न और आए थे लेकिन आप चूंकि समय की पहला प्रश्न अनिल सर की तरफ से है कि क्या शंख प्रक्षालन बच्चे भी कर सकते हैं? देखिए शंख प्रक्षालन जो है आज कम से कम जो है 6-8 साल से कम के बच्चे को नहीं कराते, 6-8 साल से कम के बच्चे को तो हम छोटा जो है कैस्टर ऑयल का जो है वो, या बादाम की 2-3 बूंद जो है दूध में डाल के करते हैं तो वो 3-4 दिन दे देते हैं, या एक और इसमें जो है सबसे बड़ा छोटे बच्चों के लिए जो विशेष जो है वो है, वो रहता है कि हम सवेरे सवेरे खाली पेट नारियल का बुरादे में पीली शक्कर डाल करके अगर वो जो है खिला करके ऊपर से गर्म दूध पिला करके मोशन करवा दें तो आप 5 दिन में जो ये फाइबर होता है नारियल के जो है उसका बुरादे का, वो फाइबर आंतों में ब्रश की तरह काम करता हुआ जाएगा, आंतों को पूरा साफ कर देगा,
और संघ प्रक्षालन जैसी किसी भी स्थिति से बच्चे को गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी सर, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सर, हमारे यहाँ फाइनेंस में रवि सर हैं, रवि वाधवा सर, उनका क्वेश्चन है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचें, जैसे कोविड के बाद से उनको स्वाद नहीं आ रहा या गले में खराश। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। प्लांट होता है वो सहदेवी का प्लांट कर आप जो है उसको रख लेंगे अपने बेड के जो है दोनों तरफ, अगर सहदेवी का प्लांट रखेंगे तो उसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जिससे आपको नींद आ पाए। और इसके अलावा भी अगर प्लांट नहीं मिलता तो चमेली का तेल मिलता है, तो चमेली का तेल ले, चमेली के तेल के 2-3 ड्रॉप कॉटन में डाल के और वो आप कान में यहां जैसे इत्र लगाते हैं ऐसे दोनों तरफ लगा के सो जाएं, या तुलसी के पत्ते जो है आप बहुत सारे जो है किसी थैली में ऐसे प्लास्टिक की थैली में डालें जिसमें कुछ छेद आप जो है पहले प्लास्टिक की थैली में छेद कर दें जिससे वो पत्ते गल करके और मॉइश पैदा ना करें तो वो उनको हवा मिलती रहे। तो आप तुलसी के पत्ते भी सिराने रख करके सोते हैं तो आपको सोने का टाइम फिक्स कर दें और पूरी तरह से ठंडे पानी से पैर धो करके और पानी और तेल की पैर के तलवे में मालिश करके और ज्ञान मुद्रा जोर से आप अंगूठे और उंगली को इस तरह से दबा के और मन में आप जो है एक माला का जाप कर दें, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, इस तरह से ये 108 बार जाप इस तरह दबाए हुए ज्ञान मुद्रा में करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी जो है बंद हो गई नींद आ गई, कब आपकी ये मुट्ठी भी अपने आप खुल गई। फिर भी किसी को ज्यादा दिक्कत है तो जायफल घिस करके आंख के ऊपर सोने से पहले आंख बंद करके ऊपर से लेप कर दें तो आपको थोड़ी देर में जायफल और घी का लेप कर दें, जायफल अगर थोड़ा आंख में भी चला जाएगा तो नुकसान कोई नहीं होने वाला, आप जो है एकदम नींद आने लगेगी और उसको आप जो है हटा सकते हैं और आप जो है उसके बाद में सो सकते हैं। मैं समझता हूँ ये सारा जो है आप लोगों ने पोस्ट कोविड, किसी को फिर भी कोई जो है अगर कहीं शंका होगी तो वो जो है बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। बस ये है हो सकता है फोन 1-2 बार आपको करना पड़े क्योंकि मेरे पास दूसरा भी फोन होता है उस पर कभी कोई बात हो रही होती है कभी है, तो आप उससे नहीं घबराएं कि मैं फोन नहीं उठा रहा हूं, वो आप कर सकते हैं। सभी का स्वागत है, धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं प्रोफेसर आर के गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इस क्षेत्र में इसमें करें और इसमें जितनी जानकारी ये जो है अपने बच्चों स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकेंगे तो वो उनके स्वास्थ्य को बचाएं। हम जो है कहते हैं कि अपने घर को ठीक कर दें, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लें तो देश का स्वास्थ्य देश ठीक हो जाएगा। तो आप अपने घर से ही इसको ठीक करें, सब जो है पूरे देश में जो है ठीक करने की लहर आएगी। नमस्कार। एक बात कहना चाहूंगा मैं, धन्यवाद देने से पहले डॉक्टर साहब ने जो एक सुझाव दिया है केवल मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जितने वेबिनार होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं और जितने स्पीकर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड उनकी स्पीच वो सब लाइब्रेरी में अवेलेबल रहती है, जिससे जो बच्चे उस प्रोग्राम को नहीं अटेंड कर पाते किसी वजह से, अभी तो ये सारे वेबिनार चल रहे हैं ऑनलाइन हो रहा है, उससे पहले जो फिजिकल रूप से भी प्रोग्राम होते थे उनकी भी बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी और वो वीडियो रिकॉर्डिंग हम लाइब्रेरी में अवेलेबल कराते हैं जिससे बच्चे उन स्पीकर की बातचीत को दोबारा से सुन सकें, नोट भी कर सकें। अभी तो कई बातें कोई नोट भी करना चाह रहा होगा शायद रह गई होंगी आपकी इतनी इंफॉर्मेटिव जो अच्छी अच्छी बातें थी जानकारियां जो आपने दी, तो केवल एक मैं एक जानकारी के तौर पर सभी के साथ यह मैं शेयर करना चाह रहा था, लाइब्रेरी में आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी वहां अवेलेबल होगा, कार्यक्रम के पश्चात उसको सुन सकते हैं दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही जानकारी आपने अलग अलग विषयों के बारे में, कैसे अलग अलग रोगों के बारे में
रोग हो गया तो और रोग ना हो तो उसके बारे में भी जो आपने सारी चीजें बताई हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल। मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। और इसी के साथ ही मैं डॉक्टर पुनीत चांदला सर को बुलाना चाहूंगा धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। सर नमस्कार। इस 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज दूसरे दिन के लिए उपस्थित आदरणीय एवं सम्माननीय डॉक्टर दयानंद शर्मा सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं स्वागत करते हैं। सच में सर, इस कोरोना काल के उपरांत आपने जो अपने वक्तव्य में वो विविध दृष्टिकोण और माध्यमों को जो प्रस्तुत किया वो सत्य में हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी एवं लाभान्वित हैं। सर, आपने इस कोरोना काल में कहाँ गलतियां हुई, कहाँ हमसे भयंकर चूक हुई और आने वाले समय को कितना सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा ये वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने अपने संधान से देख लिया। आपने अपने वक्तव्य के अंतर्गत उन्हीं सब दृष्टिकोणों का, उपायों का, घरेलू नुस्खों का और जो प्रचलन से कहीं दूर जा छिटके हैं उनको फिर से एकीकृत और समग्र रूप से हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। ये छोटी छोटी बातें सर, उपयोग में लाने वाली आहार से लेकर निद्रा और दैनिक कार्यों से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को आपने सर वर्गीकृत करते हुए उसे बड़े विवेचनात्मक ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। मैं आभारी हूं सर कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने सार्थक वक्तव्य के द्वारा हम सभी को लाभान्वित किया। मैं थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं डीएवी परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ कॉलेज प्राचार्य जी जो प्रत्येक व्याख्यान के अंतर्गत उनका प्रेरणा और संपन्नता तक आशीर्वाद और मनोयोग बनाए रखने वाला संबल हम सभी को प्राप्त होता है, मैं सर आपके प्रति भी अपनी हृदय ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए वे सभी शिक्षक और कर्मचारी वर्ग का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हाँ, उन विद्यार्थियों को कैसे भूल जाऊं जिनके लिए ये सभी का सभी जो व्याख्यान माला आयोजित की गई है। मैं मान के चलता हूं कि जिस मनुष्य समाज को संपन्न, संरक्षित और रोग मुक्त करने का जो आयुर्वेद का सपना था वे निश्चित रूप से प्रतिफुलित हो, प्रतिभूत हो और भविष्य में भी इस प्रकार। धन्यवाद की रिक्वेस्ट मैं भी करूंगा। उनका जो कड़ी थी हमारी उसमें कैलाश जी का भी जो है आभार रहेगा, उनके कारण ही आप लोगों से मेरा जुड़ाव हो पाया और ये संभव हो पाया। कैलाश जी कोशिश करते हैं कि हर अच्छे उस जगह पे जरूर फोर्स करते हैं कि मैं प्रोग्राम जरूर करूं, तो उनका आभार आपका और मेरा मिलकर के दोनों की तरफ से जो है उनको विशेष आभार। जी सर मैं जूम प्लेटफॉर्म के जो संरक्षण क्या और इस वेबिनार के लेकर जो प्रायोजित कर रहे हैं मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ मैं समस्त उपस्थित सज्जनों का भी पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इस वेबिनार को मनोयोग के साथ पूर्ण किया। और कल हम फिर अपराह्न 12:30 बजे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के जो अंतिम भाग है नेचुरोपैथ से संबंधित है तो डॉक्टर जेता सिंह द्वारा विशेष व्याख्यान के द्वारा संपन्न होगा। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद सर। अगर प्रिंसिपल सर की आज्ञा हो तो अब हम प्लेटफॉर्म लीजिए। जी 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 जी, कार्यक्रम आज का संपन्न हुआ और कल दोबारा से मुलाकात करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ले लिया।